क्या आवाज आ रही है? हाँ, ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सीएसडीएस के भारतीय भाषा कार्यक्रम की प्रतिमान व्याख्यान श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हमारे आज के वक्ता हैं प्रोफेसर हितेंद्र पटेल। सबसे पहले हम उनका संक्षिप्त औपचारिक परिचय करवाएंगे। हितेंद्र पटेल बहुभाषी इतिहासकार हैं और रविंद्र भारती विश्वविद्यालय में जो कोलकाता में प्रोफेसर हैं। उनकी हालिया किताब जो अभी हमारे पास भी है मौजूद, आधुनिक भारत का ऐतिहासिक यथार्थ, जो राजकमल प्रकाशन से इसी साल 2022 में प्रकाशित हुई है, यह किताब उन्होंने भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान IIS शिमला के फेलो रहते हुए लिखी है। हितेंद्र पटेल अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला भाषाओं में उनके शोध लेख और पुस्तकों की फेहरिस्त काफी लंबी है। जैसे इस किताब के पहले उनके कुछ जो और किताबें हैं और लेख हैं उसको मैं अभी आपको बताता हूँ। कम्युनलिज्म एंड द इंटेलिजेंसिया इन बिहार, या ओरिएंट ब्लैक स्वान दिल्ली से 2011 में प्रकाशित हुई है। उसके अलावे खुदीराम बोस रिवोल्यूशनरी एक्स्ट्राऑर्डिनायर, जो कि पब्लिकेशन डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली के द्वारा प्रकाशित हुई 2008 में। कुछ बुक चैप्टर्स भी हैं, जैसे सब्यसाची भट्टाचार्य द्वारा संपादित किताब कंप्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न बंगाल वॉल्यूम 3 में, जो कि 2020 में प्रकाशित हुई, उनका एक बड़ा ही रुचिकर दिलचस्प लेख है। एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ हिंदी स्पीकिंग पीपल इन कलकत्ता, जनरली कलकत्ता या कोलकाता की बात होती है, कलकत्ते की बात नहीं होती, तो इन्होंने उसमें वो चर्चा की है। रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड हिंदू मुस्लिम डिवाइड, ये उनका एक और लेख है जो 2019 में रटलेज इंडिया से प्रकाशित कम्युनलिज्म इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया चेंजिंग कंटूर्स नामक किताब में प्रकाशित हुई। इसके अलावा उनके दर्जनों लेख हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल और मैगजीन्स में छपे हुए हैं। आज का व्याख्यान जिसका शीर्षक है इतिहास साहित्य अतीत चर्चा, राजनीतिक उपन्यास और आधुनिक भारत का ऐतिहासिक यथार्थ, यह उनकी हालिया किताब जो हमने अभी दिखाया आपको, उसी पर केंद्रित है। तो स्वागत है हितेंद्र जी आपका। धन्यवाद प्रभात जी। मैं CSDS का कृतज्ञ हूँ और हमारे मित्र मुझे दिखाई दे रहे हैं, शरण जी, रविकांत जी, दुर्गे जी और भी जो मित्र है वहाँ, बहुत ही गर्वित महसूस कर रहा हूँ आप लोगों से इस विषय पर, इस किताब पर बातचीत करने का एक मौका पाकर। सबसे पहले जैसा प्रभात जी ने बताया कि जो मेरी किताब है वो आधुनिक भारत का ऐतिहासिक यथार्थ, उस पर ही थोड़ी सी चर्चा होगी, लेकिन इस मौके पर मैं उसमें एक खास जो अध्याय है उस पर केंद्रित करना चाहूँगा ताकि एक बातचीत शुरू की जा सके। मैं कोशिश करूंगा कि इस बातचीत में सबसे पहले जो अतीत आपकी आवाज नहीं आ रही है। एकदम ही नहीं आ रही। बताएं, अब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अच्छा, ये ठीक है? हाँ। अच्छा,
तो जैसा कि मैं कह रहा था कि मेरी बातचीत को दो तीन हिस्सों में मैं बांट के रखूंगा। सबसे पहले ये किताब जो अतीत चर्चा है, अतीत चर्चा का जो प्रसंग है उसको मैं लाना चाहूंगा, और उसके बाद फिर मैं किताब में इतिहास को साहित्यिक स्रोतों के सहारे कैसे देखने की जरूरत है और क्यों जरूरत है उस पर संक्षिप्त चर्चा करूंगा, और सबसे अंत में इतिहासकार द्वारा छोड़ दिए कुछ प्रसंगों के सहारे एक वैकल्पिक या कहना चाहिए कि छूटे हुए प्रसंगों को लेकर एक दूसरे तरह के इतिहास चर्चा की बात करूंगा, और मुख्य रूप से मैं गुरुदत्त के ऊपर केंद्रित हूँ। गुरुदत्त का एक सामान्य सा परिचय होगा क्योंकि वो जरूरी है। गुरुदत्त के बारे में हमेशा एक खास किस्म की सोच, उनके बारे में खास इमेज रही है, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बतला सकूं कि गुरुदत्त के बारे में बात करना क्यों जरूरी है। सबसे पहले जो मेरी मुख्य बात है इस किताब में भी, और मैं बार बार इस प्रसंग पर लौटता हूं, कि हमारे इतिहासकारों ने एक खास तरीके से 1920 से 1962 के बीच के इतिहास को रखा है। मैं राजनीतिक प्रसंगों की ही बात कर रहा हूँ। राजनीतिक इतिहास जो है, जिसे हम गांधी और नेहरू युग कहते रहे हैं, उस दौर में एक खास तरीके से पेश किया गया। एंडरसन ने इसके बारे में कहा है कि ये इंडियन आइडियोलॉजी के द्वारा प्रभावित एक इतिहास दृष्टि, और इसमें एक खास तरह की सोच को सामने रखा गया है। मैं इसको थोड़ा और बढ़ा करके कहना चाहूंगा कि इस इतिहास में भारतीय राजनीतिक यथार्थ का एक बड़ा हिस्सा छूट गया है, और कई ऐसे प्रसंग इसमें आ गए हैं जिसके बारे में चर्चा किए बिना अगर हम आज के वर्तमान में उठने वाले सवालों की तरफ जाएंगे तो हमें लगेगा कि हमारे इतिहासकार हमसे बहुत सारे ऐसे तथ्यों को हटाकर अपना इतिहास सामने रख रहे हैं, और उन छूटे हुए प्रसंगों को हम लोगों को लाने की जरूरत है। और इस दिशा में साहित्यिक जो स्रोत हैं, खास करके जो राजनीतिक उपन्यास हैं, उनका एक महत्व होना चाहिए। मैंने चार ऐसे उपन्यासकारों को लिया है जिन्होंने विधिवत और व्यवस्थित ढंग से राजनीतिक इतिहास को लिखने की कोशिश की। उसमें एक है भगवती चंद वर्मा, दूसरे हैं यशपाल, तीसरे हैं अमृतलाल नागर, और चौथे हैं गुरुदत्त। इसमें से चौथे जो हैं वो हिंदू राष्ट्रवादी दृष्टि से इस पूरे कालखंड को देखते हैं, और इस क्रम में वे बहुत ऐसी ऐसी बातों का उल्लेख करते हैं जिसको पचा पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। गुरुदत्त ने जिस तरह से इतिहास को लिखा, इतिहास को देखने की कोशिश की, और वो बार बार कहते थे कि मैं उपन्यास लिख रहा हूँ, इतिहास नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो अपने समय का इतिहास ही लिख रहे थे अपने तरीके से। तो मैं ये कोशिश करने मैं क्यों ऐसी कोशिश कर रहा हूँ कि इतने सारे इतिहासकारों के होते हुए साहित्यिक स्रोतों की तरफ जाने। इस प्रसंग में अतीत चर्चा, इसके बारे में मैंने कहा कि मैं कुछ बोलना चाहूंगा। हम लोग अतीत के बारे में तीन तरह की दृष्टियां रख सकते हैं। एक तो यह है कि अतीत के बारे में चर्चा की जाए इस रूप में कि वर्तमान के प्रश्नों का उत्तर भी उसमें ढूंढा जाए, अतीत से वर्तमान की यात्रा के बीच जो एक सेतु बनने का काम है वो किया जाए, और देखा जाए कि अतीत से वर्तमान की यह परिस्थिति कैसे लिखी। उसमें एक तरह से अतीत को इस रूप में पेश किया जाता है जिसमें कि वर्तमान के बारे में जो आधार है वो स्पष्ट हो सके, इन इन कारणों से ये परिवर्तन हुए, और उसके बाद जो है अंत में हम आज वर्तमान में इस अवस्था में हैं। लेकिन इस प्रसंग में जो भुला दी जाती है बात, वो ये है कि बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी बातें ऐसी हुई जो फलीभूत ना हो सकती। ये कार के हवाले से ये बात
बार बार दोहराई जाती रही है कि ये मार्च ऑफ हिस्ट्री की तरफ इतिहासकारों का ध्यान होना चाहिए। इतिहास में जो हो न सका वो प्रसंग छूट जाते हैं, जिसके लिए ईएचकार ने व्यवहार किया है डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री। ऐसी चीजें जो हो न सकी, जो इतिहास मार्च ऑफ हिस्ट्री के साथ नहीं जा सकी, उसको हम डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री में फेंक दें। लेकिन डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री में फेंक देने से वो चीज मृत नहीं हो जाती। इतिहासकार का काम उन छूटे हुए इतिहास के टुकड़ों को संजोना भी है और इस बात की चर्चा भी करनी है कि आखिरकार ये चीजें जो हैं रही थी और जो हो सकती, जो सफल हो सकती, उसके अलावा भी जो छूट गए प्रसंग है उसकी चर्चा हमारे लिए जरूरी हो जाए। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं अपनी इस किताब में जिसको मैंने आर्ग्यू किया है कि इतिहास को खास तरीके से लिखा गया। क्यों लिखा गया? इसकी एक कथा है और उस कथा को हम जब कहने लगते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें एक खास किस्म की केंद्रीयता जो है वो प्रदान की जाती है, जो है वो कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को। यानी ऐसा प्रतीत होता है कि गांधी आए, उन्होंने जनता को जागृत किया और पूरी जनता गांधी के पीछे चलने लगी और इसके बाद जो है धीरे धीरे अंग्रेजों के ऊपर दबाव बना, बहुत सारी असुविधाएं हुई, लेकिन अंततः अंग्रेज यहाँ से गए। गांधी ने या गांधी के नेतृत्व में चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलन ने इतना दबाव पैदा किया जिसके कारण यहाँ औपनिवेशिक युग का अंत हुआ। 1940 में, 40 के दशक में बहुत सारे नेता थे, जिसमें राजेंद्र प्रसाद और अन्य लोग भी थे, जो कहते थे कि हमारे इतिहासकार हमारे स्वर्णिम इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन का जो स्वर्णिम इतिहास है, ग्लोरियस चैप्टर ऑफ हिस्ट्री है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। उनको ये देखना चाहिए कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन भारत में हुआ है, एक अहिंसक आंदोलन ने सफलता पाई है और इस कथा को इतिहासकारों को कहने की जरूरत है। बार बार इस बात का ध्यान हिस्ट्री कांग्रेस में भी रखा गया है, इस बात को कि भारतीय इतिहासकार का मूल काम है ऐसे इतिहास को सामने रखना जिससे ये स्पष्ट हो सके कि भारत ने कोई बहुत बड़ा कारनामा कर लिया है जिसमें कि अहिंसात्मक आंदोलन के द्वारा गांधी के नेतृत्व में भारत ने आजादी पा ली। और मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, पुस्तक में मैंने इसका बहुत विस्तार से जिक्र किया है कि कैसे भारतीय इतिहासकारों ने लगभग इसी भाव से भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को देखने की कोशिश की है। खासतौर पर 1947-48 के जो हिस्ट्री कांग्रेस के अधिवेशन हुए उसमें अध्यक्षीय वक्तव्य के माध्यम से ही समझा। बाद में ये डिबेट आगे बढ़ती है और उसके बाद 60-61 तक आते आते भारतीय राजनीतिक इतिहास को कैसे लिखा जाए इसका एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि एक समय हम मिलजुल कर लड़े और अब जो है राष्ट्र निर्माण के लिए हम लोगों को एक खास तरीके से सोचने की जरूरत है। इतिहासकारों का काम है राष्ट्र निर्माण के इस प्रक्रिया में इतिहास को इस रूप में पेश करना इससे कि हमारी राष्ट्रीय एकता बने और भारत के बारे में भारतवासियों को एक खास तरह की सकारात्मकता मिल सके इतिहास का। ये सब अच्छी बातें हैं, सभी लोग इससे परिचित हैं और इस कहानी में और अधिक मैं इस समय जोड़ना नहीं चाहूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि यह एक खास समझ है और ये अधूरी समझ है और ये इसलिए मैं कहता हूँ और खतरनाक भी है क्योंकि इसमें कई ऐसे प्रसंग हैं जिसकी चर्चा नहीं की जाती। मसलन राष्ट्रीय आंदोलन कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू किया, किस उद्देश्य से शुरू किया और इसमें कैसे कैसे परिवर्तन होते गए, इस पर जरा सोचने की जरूरत। क्या गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की? नहीं, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, तो जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उस राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी के आने से क्या अंतर पड़ा, ये एक बड़ा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि गांधी के नेतृत्व में चलने वाले आंदोलन में गांधी की बातों को न मानने वाले कहाँ कहाँ थे और किस किस आधार पर गांधी से उनकी असहमति थी। तीसरी बात,
जो गांधी से अलग रहकर राष्ट्रीय आंदोलन में शरीक थे, जो आजादी के लिए कुर्बानियां दे रहे थे या कुर्बानी देने के लिए तैयार थे, उन्होंने गांधी को किस आधार पर अपर्याप्त माना भारतीय स्वाधीनता के आंदोलन की सफलता की? नाउ ये जो चीज है, ये जो गांधी क्या आना है, गांधी के पहले का इतिहास, गांधी की एंट्री पॉइंट, गांधी के शक्तिशाली बनने की प्रक्रिया और गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ने की प्रतिक्रिया, गांधी के सामने जो चुनौतियां थी वो कांग्रेस के भीतर और बाहर से कैसे आई, और 1939 तक जाकर के गांधीयन पर्सपेक्टिव जो है वो क्वेश्चन होता गया। ये इसकी जो राजनीतिक कथा है, इस कथा को भारतीय साहित्य में किस रूप में रखा गया है? एक तो ये बुनियादी बात मुझे लगता है जहां इतिहासकारों से अधिक कॉम्प्रिहेंसिव और शायद क्रिटिकल अकाउंट भी हमें साहित्य में मिलता है इतिहासकार से अधिक। दूसरी जो बात है वो है 39 से 47 की कथा। भारतीय इतिहास में जब जब 39 से 47 के बीच की राजनीतिक कथा का जिक्र होता है तो आप गौर करेंगे कि 1942 को केंद्रीयता दे दी जाती है और 42 के बाद हम लगभग जंप करते हैं। दो तीन ऐसे एपिसोड्स हैं जहां पर कि निगोशिएशंस होते हैं और हम लोग 47 पे जाते हैं और भारतीय विभाजन, भारत में जो विभाजन हुआ उसको एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी बता करके 47 पर ही हमारा फोकस जाता है। तो एक बात ये होती है कि भारत आजाद हुआ और भारत विभाजित हुआ। इसमें एक हमारे पास जो एक पर्सपेक्टिव हमेशा रखा जाता है और उम्मीद की जाती है कि हम सभी लोग इस बात को मान लें कि एक दुर्भाग्यपूर्ण सांप्रदायिक राजनीतिक प्रचार हुआ जो मुस्लिम लीग के नेतृत्व में हुआ मुसलमानों के लिए, और हिंदुओं के बीच में भी एक सांप्रदायिक राजनीतिक प्रचार हुआ, जिसके फलस्वरूप सदिच्छा वाले राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए भारत को एक यूनाइटेड भारत को बनाए रखना संभव नहीं हुआ और बहुत ही दुखी मन से हमारे राजनीतिक नेतृत्व में विभाजन को स्वीकार किया। उसके बाद गांधी हत्या का प्रसंग आता है और फिर उसके बाद भारत में डेमोक्रेसी के आने में लगभग हीरोइक फाइट जो है वो करते हुए दिखाई देते हैं जवाहरलाल नेहरू। 1952 में इलेक्शन होता है, 57 में इलेक्शन होता है और उसके बाद अंत में आकर के एक दूसरा इलेक्शन भी आता है और उसी के साथ चीन के साथ हमारी लड़ाई होती है, और जिस लड़ाई में चीन ने हमारे साथ विश्वासघात किया और हम शांतिप्रिय थे, चीन ने हमारे ऊपर हमला किया। ये जो नैरेटिव है इसके साथ ही इतिहास का आख्यान चला है। इतिहासकार इन जगहों पर ठहर करके कितना सोच पाया है, मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने कई बार ये महसूस किया है कि इतिहासकार के रूप में बहुत सारी बातें हम कह ही नहीं पाते। एक बार सब्यसाची भट्टाचार्य ने एक लेख लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि कुछ सुविधाएं होती हैं जो जर्नलिस्टों को प्राप्त होती हैं और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अपने अपनी स्मृति से लोग लिखते हैं, कि उन्होंने बांग्लादेश के बनने के क्रम में के बारे में बात की गई थी, लेकिन इतिहासकार के पास ही सुविधा नहीं है। यहाँ पर इतिहासकार को कौन सी सुविधा मिले और कितनी दूर तक वो अपनी बात को कह सकता है, उसके लिए सामान्य तौर पर एक बात कही जाती है कि तथ्य पर ही हम लोगों को सोचना पड़ता है। जहाँ तथ्य है वहीं इतिहासकार जा सकता है और तथ्यों को संजो सकता है, तथ्यों को सजा सकता है। लेकिन ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि तथ्यों के होते सोते हम लोगों ने, इतिहासकारों ने, उन चीजों की अनदेखी की जिनसे लगता था कि हमारे उस नैरेटिव को प्रश्नांकित किया जा सकता है। मसलन खिलाफत मूवमेंट के समय की जो 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 जटिलताएं हैं उस पर इतिहासकार थोड़ा खामोश रहता है। उसके बाद दंगे कैसे शुरू हुए, उसके बीच में जो इस्लाम का जो इन्फ्लुएंस था
वो किस हद तक है, जो मुस्लिम एलीट है वो किस तरह से लगातार ये सोचता रहा है कि अंग्रेज जाएंगे तो सत्ता हमारे पास आएगी। इस्लाम एक वैश्विक धर्म है और अगर भारतीयों को चाहिए, भारतीय ये चाहते हैं कि मतलब हिंदू अगर चाहते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की जाए, तो जो अंतर्राष्ट्रीय इस्लाम का झंडा है उसके नीचे हिंदुओं को भी आ जाना चाहिए। मतलब लीडरशिप जो है वो मुस्लिम दे और हिंदू जो है उसका सहयोग करे, जैसे कि खिलाफत मूवमेंट के शुरुआती दौर में हुआ, और वो फिर लड़ाई लड़ी जाएगी। ये एक प्रसंग है। मैं ऐसे 7-8 ऐसे प्रसंग हैं जिसकी चर्चा यहाँ पर चलते चलते भी कर सकता हूँ। यहाँ से शुरू करके सुभाष चंद्र बोस तक आना, उसके बाद 42 तक आना, 42 में जाना, और 46 के इलेक्शंस में जब मुस्लिम लीग को बहुत बड़ी सफलता मिली और लगभग ये तय हो गया कि मुसलमानों का सपोर्ट जो है मुस्लिम लीग के पास है, ये इस तरह के छोटे छोटे ऐसे प्रसंग हैं जिस पर कि हम चर्चा करने से बचते रहे। खैर, मैं जैसा कि मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में या उनके उन्होंने जो इतिहास अपने उपन्यासों के माध्यम से सामने रखा है उस पर चर्चा करूंगा। उनका नाम है गुरुदत्त। कौन थे गुरुदत्त? जब भी गुरुदत्त का नाम लेता हूं तो प्रायः लोग जो शिक्षित और सुशिक्षित और आदमी जगत के लोग हैं वो लगभग हंसते हुए कहते हैं, अरे वो प्यासा वाला जो फिल्म मेकर था वो गुरुदत्त। तो चुप ही रह जाना पड़ता है, क्योंकि जिस गुरुदत्त की बात मैं करना चाहता हूँ वो अधिक से अधिक एक पॉपुलर राइटर। और पॉपुलर राइटर की क्या हैसियत? पॉपुलर राइटर तो बस यूं ही पॉपुलर हो जाते हैं। लेकिन गुरुदत्त गुलशन नंदा नहीं थे। मैं गुलशन नंदा के प्रति सम्मान रख के कह रहा हूँ कि जो और भी बहुत सारे पॉपुलर राइटर हैं, गुरुदत्त वैसे व्यक्ति नहीं थे। गुरुदत्त का जन्म 1893 या 94 में, 1894 में हुआ, और उन्होंने बचपन में ही कुछ ऐसी चीजें देखी थी जिसका उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव था। आर्य समाजी परिवार से आते थे और एक भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने एक संस्था बनाई थी, भारत माता सोसाइटी, उसके वो सदस्य भी थे। उन्होंने जब वो किशोर अवस्था में थे तो उन्होंने देखा था कि इस तरह से जो भारतीय क्रांतिकारी थे उनको चौराहे पर दंडित किया जा रहा है, और दंडित करने का मतलब फांसी दी जा रही है उनको, उनको बहुत अत्याचार उनके ऊपर किया जा रहा है। ये किशोर वय में उन्होंने देखा। उसके बाद वो पढ़ाई लिखाई करने वाले व्यक्ति थे, पढ़ते लिखते थे, और उन्होंने 6 अप्रैल की फायरिंग को देखा था। 1919 की 6 अप्रैल को आप याद रखें, उस समय ये हमारे जालियांवाला बाग मसाकर के पहले की जो घटनाएं हैं उसके साथ जालियांवाला बाग का एक जुड़ाव है। तो 6 अप्रैल की फायरिंग देखी थी, और जालियांवाला बाग मसाकर उनके लिए कोई बहुत दूर की चीज नहीं थी। उस दौर को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, और उस दौरान उन्होंने राष्ट्रवादी होने के कारण ये महसूस किया था कि हम लोगों को कुछ करना चाहिए। पढ़े लिखे आदमी थे, MSc किया था। उनके लेख जो हैं वो लंदन के केमिस्ट्री के जर्नल में छप चुके थे। उनके जो सुपरवाइजर थे वो BK सिंह, तो वो चले गए ढाका, इसलिए उनको बाद में काम नहीं कर पाए, वरना शायद वो PhD करते। इस अवस्था में उनका शोध जो है वो नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने बहुत सारी समस्याओं का सामना उस वक्त किया। वो राष्ट्रवादी विचारधारा के थे, और उन्होंने लास्की, स्पेंसर और अन्य अन्य जो विद्वान थे उन लोगों को खूब पढ़ा उस वक्त। उनके ऊपर उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर जो है पश्चिम के विद्वानों का बड़ा प्रभाव पड़ा। पॉलिटिकल साइंस की बहुत सारी किताबें उस दौर में उन्होंने पढ़ी। खादी पहनते थे, इसलिए और कुछ अन्य कारणों से उनको डेमोन्स्ट्रेटर की नौकरी जो मिली थी अपने कॉलेज में वो उनको छोड़नी पड़ी, और बड़ी परेशानी में रहे वो। उस समय लाला लाजपत राय
ने एक नेशनल स्कूल खोला था, वहाँ पर वो उनको प्रधानाध्यापक बनाया गया। उसी स्कूल में ध्यान रखिए, उसी स्कूल में यशपाल पढ़े, उसी स्कूल में भगत सिंह पढ़े, और भगत सिंह के शिक्षक थे गुरुदत्त। भगत सिंह जब थोड़े काम कर मतलब सही युवक थे, जब नौजवान सभा का गठन किया गया तो उसकी उसके अध्यक्ष बनाए गए गुरुदत्त। उस समय पंजाब में जिस तरह की गतिविधियां चल रही थी, राष्ट्रीय जागरण तो हो ही रहा था। गुरुदत्त ने लिखा है कि हम लोगों को लगता था कि भारत में क्रांति होने वाली है, भारत में क्रांति होने वाली। ये प्रसंग उन्होंने तब कहा है जब जब उन्होंने देखा कि सारे देश में एक तूफान सा आया हुआ है, लोग उत्तेजित हैं, अंग्रेजों को बर्दाश्त करना नहीं चाहते। ये 1919-20 के समय के बारे में लिखते हुए उन्होंने लिखा है। अब ये जो रेवोल्यूशनरी सिचुएशन थी, उस रेवोल्यूशनरी सिचुएशन के दौरान हम देखते हैं कि दो तरह की राजनीतिक दर्शन, दो तरह की राजनीतिक दर्शन का टकराव भारत में उस वक्त हो रहा है। एक जो राजनीतिक दर्शन है वो गांधी के पूर्व से चला आ रहा है, जो क्रांतिकारियों का दर्शन है, जो अंग्रेजों से टकराना चाहते, अंग्रेजों के साथ समझौता नहीं करना चाहते और अंग्रेज ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते। उनको लगता है कि अंग्रेजों को अगर भगाना है तो उनको मार करके भगाना पड़ेगा और उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े हम लोगों को देनी चाहिए। इस प्रसंग में एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है भाई परमानंद। भाई परमानंद के बारे में ये जानना जरूरी है कि भाई परमानंद के जो भाई थे, बड़े भाई थे, वो 1912 के एक बम कांड के कारण उनको फांसी की सजा हुई थी और खुद परमानंद जो है वो रेवोल्यूशनरी थे और वो उनको भी उनको भी फांसी ही होती, लेकिन कुछ कारणों से, कुछ लोगों के बीच बचाव करने से, हमारे मालवी जी वगैरह के कारण जो है उनको जो है आजीवन कारावास मिला और बाद में उनको छोड़ भी दिया गया। तो ये जो भाई परमानंद थे, इनके साथ इनका संपर्क हुआ इस नौजवान का, गुरुदत्त का। उस वक्त उनकी उम्र लगभग 29 साल हो चुकी, 28-29 साल के हो चुके, पिता बन चुके थे, दो बच्चे थे। उसके बाद कुछ ऐसे अनुभव उनको हुए जिसके कारण गुरुदत्त को ये लगने लगा कि भारत में एक किस्म का छद्म जो है राजनीति में चल रहा है। इसको उन्होंने बहुत विस्तार से लिखा है कि कैसे उनको ये समझ में आया कि भारत में एक राजनीतिक छद्म चल रहा है, और इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत में उस समय ये समझा जा रहा था कि गांधी जो है, जिनके प्रति करोड़ों लोगों का सम्मान था, श्रद्धा थी, वो लेकिन एक गलत राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये गलत राजनीति ये थी कि वो मुसलमानों को मुसलमानों के प्रति बहुत ही नरम थे और मुसलमानों के की हर बात को वो मान जाते थे। खिलाफत आंदोलन के समय भी बहुत सारे लोगों को लगता था कि गांधी जो है मुसलमानों से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं। तो भाई परमानंद को उन्होंने कोट किया है एक जगह, उन्होंने कहा है कि गांधी या तो समझते नहीं हैं इस्लामिक कैरेक्टर को, या फिर उनको इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं है। ये हो नहीं सकता कि जो मुसलमान हैं वो भारतीय राष्ट्रीयता के कारण अपने धर्म के प्रति, अपने कौम के प्रति जो उनका जो समर्पण है वो उसको कम कर सके। इस बीच उन्होंने एक और चर्चा की है जो दिलचस्प है। एक माजिद साहब हुआ करते थे जो हिजरत करके आए थे, और हिजरत करने के बाद वो मॉस्को से 2 साल ट्रेनिंग लेकर के आए थे, वो कम्युनिस्ट बन गए और यहाँ पर वो जो है युवाओं के बीच काम करते थे। तो उसमें एक बार भाई परमानंद को बुलाया गया गुरुदत्त के कहने पर, तो गए भी, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम किसी भी तरह से इन मुसलमानों को ये समझा नहीं पाओगे कि राष्ट्रीयता जो है वो सबसे बड़ी चीज है। गुरुदत्त ने लिखा है कि ये जो कम्युनिस्ट हुआ करते थे वो बेसिकली वो मुसलमान कम्युनिस्ट जो थे वो कम्युनिस्ट नहीं थे, वो कट्टर मुसलमान होते थे। वो हिजरत करते थे,
वो तमाम तरह की धार्मिकता से भी अपने तरीके से जुड़े हुए रहते थे और उन्होंने कभी भी अपने अपने आप को भारतीय राष्ट्रीयता के साथ वैसे उस तरह से नहीं जोड़ा जिस तरह से हिंदू लोग जोड़ते। ये बातें मैं कोट कर रहा हूँ, मैं इसको मैं चाहता हूँ कि मैं जो गुरुदत्त ने जिस तरह से देखा है उसको आपके सामने रखूँ। इसके बारे में जो इसमें क्या सच है, क्या सही है, क्या गलत है, ये बात मैं बाद में अगर मौका मिला तो उसको थोड़ी सी चर्चा करूँगा। तो ये बात लेकिन उस समय से चल रही है कि जो मुस्लिम है वो लेकिन मुस्लिम एलीट है खास तौर पे, वो लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन से उसी हद तक जुड़ा हुआ है जिस हद तक सत्ता को अंग्रेजों से पाने की बात है। वो लेकिन राष्ट्रीय बनकर समान अधिकारों के साथ हिंदू के साथ रहने को तैयार नहीं है। ये बात भाई परमानंद और बहुत सारे लोग जो थे जो गांधी के प्रति सदैव थे उनको उनको श्रद्धा की निगाह से देखते थे, लेकिन उनके मन में एक तरह की आशंका, एक तरह का विश्वास ही कह लीजिए बना हुआ था। तो मजीद साहब से उनको जो उनका प्रसंग है कि मजीद को उन्होंने कहा कि तुम, मजीद से उनका एक कन्फ्रंटेशन होता है और कहते हैं कि तुम मुसलमान हो तो तुम खा लो सुअर और गाय का मांस खा लो तो मैं भी गाय का मांस खा लूंगा। एक बहुत दिलचस्प है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। तो किसी ने पूछा गुरुदत्त से कि गुरुदत्त जी अगर वो कम्युनिस्ट जो है वो अगर खा लेता तब क्या आप गाय का मांस खा लेते? गुरुदत्त ने कहा कि वो हरगिज नहीं खाएगा मैं जानता हूँ, क्योंकि ये कम्युनिस्ट भी नहीं है, ये कट्टर मुसलमान है और ये कट्टर मुसलमान जो है वो कम्युनिज्म की ओट लेकर के यहाँ पर जो है हिंदुओं को बांट रहा है। एक जगह उन्होंने भाई बर्मन को कोट किया है कि ये लोग मेकोले की संतान है जो हिंदुत्व को विभाजित करना चाहते हैं। ये बातें उन्होंने उस वक्त कही। बहरहाल बाद में देखा गया कि गुरुदत्त जो हैं वो यहाँ से जब स्कूल बंद हो गया तो फिर रणजय सिंह एक हुआ करते थे उनके, रणजय सिंह अमेठी के जमींदार थे, राजा थे और मालवीय के साथ उनका बहुत गहरा रिश्ता था। मालवीय के साथ उन्होंने नेशनलिस्ट पार्टी एक हुआ करती थी। नेशनलिस्ट पार्टी क्या थी, अब नेशनलिस्ट पार्टी के बारे में भी एक लाइन बोलना जरूरी है क्योंकि अधिकतर जो स्कॉलर होते थे, पढ़ने वाले होते हैं, उनको नेशनलिस्ट पार्टी के बारे में बहुत जानकारी नहीं होती। नेशनलिस्ट पार्टी ने उत्तर भारत में कांग्रेस को एक तरह से चुनौती दे डाली थी, उसका प्रभाव भी अच्छा खासा था और जो सेंट्रल असेंबली थी उसमें उसमें जो संख्या है वो 40 कांग्रेस के थे, 32 या 33 नेशनलिस्ट पार्टी के थे और मुस्लिम लीग के 30 थे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि नेशनलिस्ट पार्टी जो है, मालवी उसके बड़े नेता थे, वो भी बहुत बड़ी पार्टी थी और उसका भी एक बड़ा प्रेजेंस उस वक्त था राजनीति में। उसी दल के रणजय सिंह थे और रणजय सिंह का ये भी बड़ा दिलचस्प है कि रणजय सिंह का एक संपर्क जो है वो एमएन रॉय से भी था। इसकी भी थोड़ी इसको भी थोड़ा नोटिस किया जाना चाहिए कि राजनीति जो है वो उस वक्त इतनी डिवाइडेड नहीं। तो ये जो रणजय सिंह के साथ ये रहे 5 साल 26 से 31 तक, इस दौरान उन्होंने भारतीय राजनीति का बहुत अच्छा अध्ययन किया है और वो जो राजनीतिक अध्ययन है वो बहुत काम का है। 31 में उनकी नौकरी छूट जाती है और अगले 5-6 साल जो वो थोड़े कष्ट में रहते हैं, उसके बाद लाहौर जाते हैं, फिर 37 से जाकर के वो हमारे दिल्ली में सेटल हो जाते हैं और उसके बाद उन्होंने विधिवत लिखना शुरू किया। इस दौरान उनकी कहानियां प्रेमचंद ने छापी, उनकी किताब जो उनका एक मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो खो गया प्रेमचंद के ऑफिस से, वरना वो शायद पहला उपन्यास होता, लेकिन प्रेमचंद ने उनकी किताब की तारीफ और गुरुदत्त ने प्रेमचंद को अपना गुरु एक तरह से माना है और उन्होंने कहा, उनसे कहा जाता था कि आपने इतना अच्छा लिखना कैसे सीखा, तो वो कहते थे कि मैं प्रेमचंद की किताब कॉपी करता रहा, उनके लिखे की कॉपी करता रहता था और इसी क्रम में मैंने सहज लिखना सीखा। बहरहाल तो उसके बाद उन्होंने जो लिखा, उनकी पहली जो बड़ी किताब है जिसके कारण उनको ख्याति मिली वो है स्वराज्य
स्वाधीनता के पथ पर। ये किताब 1942 में छपी, 1942 में उन्होंने एक किताब लिखी स्वाधीनता के पथ पर। स्वाधीनता के पथ पर किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जो बड़ी मतलब चौंकाने वाली बात है। वो किताब अभी भी सर्कुलेशन में और लोग खूब पढ़ते हैं। और ये ध्यान रखने की बात है कि एक बार यूनेस्को ने 60 के दशक में एक सर्वे किया था, पाया था कि हिंदी में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले उपन्यासकार लेकिन गुरुदत्त थे। तो गुरुदत्त किसी रोमांटिक या किसी और कारण से इम्पोर्टेंट नहीं थे, उनके पाठक लेकिन उनको इतिहास का ही सच्चा लेखक मानते थे। ऐसे भी बहुत सारे पाठक मुझे मिले, मैंने सैकड़ों ऐसे पाठकों को पाया भारत के विभिन्न हिस्सों में जिन्होंने गुरुदत्त के उपन्यासों को पढ़ा था और अभी कुछ भी अभी भी पढ़ते हैं। एक तो ऐसा आदमी मिला जिसने और कुछ पढ़ा ही नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ बार बार गुरुदत्त के उपन्यास को ही पढ़ता रहा, जीवन भर बार बार पढ़ता था। एक लाइब्रेरी का सदस्य था, वहां जाता था और गुरुदत्त की किताब ही पढ़ता था। तो ये जो किताब है स्वाधीनता के पथ, तो उसमें कुछ ऐसे वाक्य थे जो मुझे बहुत चौंकाने वाले लगे। मुझे लगा था कि ये वाक्य इस समय 1942 में कोई कैसे लिख सकता है। तो इसलिए मैंने ये जांच करने के लिए उस उनका जो पहला एडिशन है वो जाके मुझे मिला लखनऊ में एक लाइब्रेरी में, वो पहला एडिशन। उसमें भी मैंने देखा कि उसमें कोई वही बात लिखी थी जो आज के सर्कुलेशन किताब में, उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया। 1942 में वो जो कहानी कही गई है उसमें कुछ दिलचस्प बातें आई हैं और उनमें क्या है, उसमें दो तीन महत्वपूर्ण बात। एक तो है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के भीतर क्या चल रहा है। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के इतिहास के बारे में भारत में अभी भी ठीक से शोध नहीं होते, अभी तक नहीं हुए। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट क्या करना चाहता, गांधी से उनका क्या मतलब, या रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की अंदरूनी कहानी क्या थी, उस पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया है। और इस तरह से उन्होंने लिखा है, अगर आप को पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि जो रेवोल्यूशनरीज ने अपनी अपनी कथा बहुत सारी जगहों पर लिखी है, उन सब का निचोड़ अपनी तरफ से उन्होंने उसमें डालने की कोशिश की। कहीं आपको यशपाल दिखाई देंगे, कहीं भगत सिंह दिखाई देंगे, कहीं खास करके बंगाल के जो रेवोल्यूशनरीज हैं उनके बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से काम लिखा है और कहा है कि कैसे बंगाल के रेवोल्यूशनरीज का संपर्क पटना के रेवोल्यूशनरी से था, बनारस के रेवोल्यूशनरी से था और लाहौर के रेवोल्यूशनरी। और ये जो रेवोल्यूशनरी धारा थी ये लेकिन गांधी के प्रति लगातार क्रिटिकल बनी। उन सबको ये लगता था कि सेना और पुलिस के बिना भारत को आजादी नहीं मिल सकती, भारत को लड़ना होगा और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सेना और पुलिस पर कब्जा करना या उस शक्ति को प्राप्त करना। उसके बिना ये जो वो कहते थे कि जेएनयू ने नेशनल मूवमेंट को अपने हिसाब से चलाना शुरू किया और एक खास किस्म का जो है वो की बातें प्रचारित होती हैं जिससे भारत कमजोर हो गया है और भारत को इससे मुक्त होना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी ये भी लगता है कि ये जो रीडिंग होनी चाहिए वो बड़ी नुआंस्ड होनी चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ जो कि दूसरे किताब में ज्यादा स्पष्ट हो चुका है, जो पथिक है। पथिक एक दूसरा उपन्यास है, ये बहुत दिलचस्प है और ये सब आपस में जुड़े हुए। जैसे स्वाधीनता के पथ में उन्होंने 20 से 35 की कथा कही है, पथिक में उन्होंने 35 से 39 की कथा कही है। उसके बाद उनका जो तीसरा है वो उस उपन्यास में उन्होंने 39 से 47 की बात कही है, चौथे में उन्होंने 46 से आज़ादी के बाद की कथा कही है, पांचवे में फिर आज़ादी के बाद की कथा कही है और छठी किताब में इसका मैंने अध्ययन किया है वो है जिसमें उन्होंने गांधी नेहरू युग में जो खास किस्म की इस सोच जो है बनाई गई है जिसमें कि इतिहास को दबाया गया है, इस पर उन्होंने अपने विचार किए। लेकिन देखिएगा उसमें एक एक प्रसंग है, जैसे हिंदू महासभा के बारे में उन्होंने कहा है कि हिंदू महासभा की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि गुरुदत्त महज जो है वो एक नेशनल हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट के तरफ से बोलने वाले व्यक्ति हैं, उसमें एक जगह वो कहते हैं उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं। आइडियोलॉजी कैसे नहीं है, वो कहते हैं कि यहाँ पिपड़ागढ़ के राजा भी हैं जो अंग्रेज परस्त हैं, पंजाब के लोग हैं जो लड़ना तो चाहते हैं लेकिन अंग्रेजों से टकराना नहीं चाहते हैं,
मदन मोहन मालवीय हैं जो संवैधानिक तरीके से लड़ना चाहते हैं, और सावरकर हैं जो अंग्रेजों से टक्कर लेना चाहते हैं। तो इतने तरह की बातें हिंदू महासभा के भीतर हैं कि हिंदू महासभा देश के लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन में नेतृत्व नहीं दे सकती। गांधी के बारे में उनका विचार है कि गांधी जो है वो बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन गांधी जो है मुस्लिम साइकोलॉजी को नहीं समझते हैं, इसलिए उनको इसमें सफलता नहीं मिलेगी। वो किसी भी तरह से अंत अंत तक भी इस कार्यक्रम में सफल हो ही नहीं सकते कि वो मुसलमान को राजी कर लें कि वो हिंदुओं के साथ बराबर के साथ रहें और वो जो है भारत में एक साथ रहें, और धर्म से ज्यादा राष्ट्रीयता को महत्व दिए, हो ही नहीं सकता है। और ये बात कंसिस्टेंटली उनके साहित्य में आती है। वो दंगों का जिक्र करते हैं, जो खिलाफत मुक्ति के बाद शुरू हुए थे, उसके बाद लगातार सभी दंगों के बारे में बात करते हैं। वो बार बार इस बात की तरफ ध्यान दिलाते हैं कि कांग्रेस के लोग सोच रहे हैं कि वो किसी न किसी तरीके से मुसलमानों को अपने साथ लाने में सफल होंगे, लेकिन ये मिशन इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता है। और इतनी तरह के साक्ष्य उन्होंने रखे हैं कि कभी कभी विस्मित हो जाता है कि इस तरह की बातें जो है कंसिस्टेंटली एक लेखक लिख रहा है, और उसके जो 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 एविडेंसेस हैं वो अपने तरह के, साहित्यकार तो अपने तरह के एविडेंसेस लेकर चलता है, उन एविडेंसेस की तरफ किसी भी रूप में इतिहासकार का ध्यान नहीं जाता। मैं एक चलते चलते एक बात का उल्लेख करूंगा कि 1923 में आप जानते हैं कि बहुत सारे दंगे हुए थे भाई, जब खिलाफत मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया, उसके बाद जो दंगे शुरू, तो दंगे का कारण क्या था, इसके बाद इस पर थोड़ी चर्चा हो सकती है, क्यों दंगे शुरू, और इसके साथ नेशनल मूवमेंट के जो बड़े नेता थे उनका क्या संपर्क, और कैसे जो है जो खिलाफती थे वो कांग्रेस के खिलाफ हो गए, क्या कारण, क्या क्या उसका तथ्य, इसके बारे में हम लोगों को बहुत अधिक अच्छी जानकारी नहीं है। लेकिन मैंने ये जानने की कोशिश की थी तो उस पत्र में पाया था कि एक एक भाषण है मोहम्मद अली का 1923 में, उन्होंने जो किया था कांग्रेस के सभापति के रूप में, उस भाषण में उन्होंने कुछ इस तरह की बात की थी जिसमें कहा गया था कि जो कन्वर्शन है उसको वो एब्जॉर्ब करना चाहिए, अपने भाषण बहुत लंबा भाषण, एब्जॉर्ब करना या कन्वर्ट करना जो है दलित को, ये अधिकार जो है मुसलमानों को भी मिलना चाहिए। इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया गया कि जो दलित है उसमें आधे हिंदू हो जाए और आधे मुसलमान हो, मुसलमानों की संख्या बढ़ जाएगी, इस तरह की बात उन्होंने कहा और बहुत स्पष्ट रूप से कहा। लेकिन दुर्भाग्य से जब कंपाइल हुआ वो भाषण, बड़े इतिहासकार ने उसका मोहम्मद अली के भाषण का कलेक्शन किया है, उसमें से वो जो प्रसंग है जिसमें ये बात मोहम्मद अली ने कही है उसको एडिट आउट कर दिया गया, बड़ी मुश्किल से वो वाला हिस्सा मिलता है कि जिसमें मोहम्मद अली जैसा बड़ा जो मुसलमान नेता है वो इस तरह से जो दलित हैं या जो अस्पृश्य जाति उसको डिप्रेस्ड क्लास कहा जाता था उसको जो है हिंदू और मुसलमान वो कहते हैं कि अगर तुम लोग नहीं कर सकते हो तो हम लोगों को ये अधिकार दो, हम लोगों को मौका मिलना चाहिए कि हम लोग क्रिश्चियंस की तरह। ये बहुत बहुत ही बड़ा एक एपिसोड है जिसकी चर्चा नहीं की जाती। इस तरह के वर्णनों में इतने तरह के एविडेंसेस हैं, मुझे अफसोस है कि समय सीमित होने की वजह से मुझे उस बहुत सारे जो बहुत ही रिवीलिंग किस्म के जो तथ्य हैं वो उस डिस्क्रिप्शंस में आते हैं उसमें लोग नहीं जा पाएंगे। अब मैं क्योंकि जो और अन्य उपन्यास है मुझे अपने नोट्स को छोड़ देना पड़ेगा कि समय सीमित है। 42 की बात में भी जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ही क्लोज है जो 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 डिस्क्रिप्शन है हमारे हिस्टोरियंस का या जो ऐतिहासिक वृत्तांत, बहुत ही क्लोज है। तथ्य नहीं है लेकिन ऐतिहासिक यथार्थ वहाँ है। जैसे कि उसमें आपको एक उषा मिलेगी जो एक मुसलमान वकील से शादी करना चाहती है, कलकत्ता से भाग कर जाती है। आप कथा पढ़ते जाइए और आप उसके साथ ही साथ आपको जो है
जो जाने में प्रसंग है, अरुणासा फली याद आती रहेगी, जयप्रकाश याद आते रहेंगे, लोहिया याद आते रहेंगे, और बहुत सारे क्रांतिकारी उसमें आपको दिखते रहेंगे। उनका नाम नहीं है, पंजाब का एक नौजवान आता है, वो कैसे कलकत्ता आता है, कैसे बम बनाने वाली एक फैक्ट्री में वो जाता है, वहां से बम लेकर ले जाता जाता है। उसमें भगत सिंह नहीं है, उसमें कोई नाम नहीं है, लेकिन वो सारी गतिविधियां जो जिस तरह से वर्णित है उसमें, एक मैमन सिंह का कोई हरेन है जो बीई किया हुआ है, बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है, वो बम बनाने का काम करता है और अपने साथ कुछ लोगों को रखे हुए है जो कि एक बम बनाने का काम करते हैं, और पढ़े लिखे इंजीनियरिंग पढ़े हुए, साइंस पढ़े हुए लोग जो है बम बनाने का काम कर रहे हैं और उसको रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की सहानुभूति है ये भी दिखलाया गया है। तो आप जब उस वर्णन में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो डिस्क्रिप्शन इस उपन्यास में है वो लेकिन उस समय के ऐतिहासिक यथार्थ को बताने में सहायक सिद्ध हो रहा है। लेकिन जो सबसे मुझे चौंकाने वाला लगा वो है इनके कुछ कैरेक्टर्स हैं जो एक उपन्यास से दूसरे उपन्यास तक यात्रा करते हैं। उसमें एक चरित्र है नरेंद्र, वो अद्भुत चरित्र है और वो उसका जन्म 1917 में हुआ है। जब वो बहुत छोटा था तब जालियांवाला बाग मसाकर के समय उसके पिताजी मारे जाते उस गोलीकांड में मारे जाते हैं और उसके बाद उसकी नरेंद्र की माँ ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया। बाद में माँ भी मर जाती है, माँ उससे शपथ लेती है कि तुम जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ोगे और पिता का बदला लोगे। कई जगह लगता है जैसे रोमांस हावी हो जाता है डिस्क्रिप्शन से, लेकिन वो इतिहास का वो सूत्र वो छोड़ते नहीं, और इसी कारण से मुझे लगता है कि दोनों के बीच का जो जो संबंध है उसको समझने की जरूरत है। वो बाद में बड़ा होकर एक किताब लिखता है सफल क्रांतियां, और उसमें एक किस्म से खाका बनाया जाता है कि भारत को कैसे स्वाधीन किया जा सकता है। उसको एक आदमी से मिलता है, फिर उस आदमी के द्वारा उसको सुझाव मिलता है कि तुम जाकर के गांधी से मिलो। वो नरेंद्र जो है वो वर्धा जाता है और वर्धा में जाकर के गांधी से मिलने की कोशिश करता है, गांधी से प्रार्थना करता है कि गांधी जी आपके पास जनता ने आपको इतनी अधिक शक्ति दे रखी है कि आप जो है जो चाहे कर सकते हैं, क्रांति कर सकते, आप जो है गलत राजनीति का अनुसरण मत करें, आप जो है राष्ट्रीय आंदोलन को सही दिशा दीजिए, आप पूरे अपने शक्ति को इस काम में खर्च मत कर दीजिए कि आप पूरी शक्ति को, ये थोड़ा मैं इसको फ्रेज दूसरे तरह से रखता हूँ जिसको गुरुदत्त ने बाद में इस्तेमाल किया है कि गांधी को असीम शक्ति जनता ने दी और गांधी ने उस असीम शक्ति को एक परिवार के पीछे खड़ा कर, ये वाक्य गुरुदत्त का वाक्य जो बाद में उन्होंने लिखा है, ये गांधी ने जो किया ये गांधी ने ठीक नहीं किया। नरेंद्र जो है बाद में चल करके एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है जिसमें वो कहता है कि भारत को जागरण की जरूरत है। उसने एक ब्लूप्रिंट बनाया है कि भारत में 20 लाख वॉलंटियर्स की जरूरत है और 5 लाख कर्मचारियों की जरूरत है जो सारे देश में राष्ट्रीय जागरण करेंगे और उस राष्ट्रीय जागरण से जो राष्ट्रीय सत्ता है उसको हासिल किया जाएगा। ये जो 20 लाख 5 लाख लोग जो हैं ये वॉलंटियर्स होंगे, ये लोग स्कूल कॉलेज आर्मी पुलिस दफ्तर सब जगह में जाकर के देश में एक राष्ट्रीय जागरण करेंगे और उसके बाद जो है भारत में एक राष्ट्रीय चेतना का उदय होगा और उस संगठन शक्ति से भारत जो है मजबूत बनेगा। ये बात लेकिन कही जा रही है, ध्यान रखिएगा, ये बात कही जा रही है उस समय जिस समय अभी तक भारत आजाद नहीं हुआ है, लिखा भी उसी समय जा रहा है। ये जो कंसीव करना कि जो पावर है इस पावर को एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन पूरे राष्ट्र में इनके लोग फैल जाएंगे और इनके लोग जो है सभी दिशाओं में जाकर के गांव में शहर में मोहल्ले में उनका एक कोऑर्डिनेशन होगा और कुल मिलाकर के ये लोग 20-25 लाख होंगे और इसके द्वारा पूरे देश में राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित किया जाएगा और इनका उद्देश्य होगा देश का राष्ट्रीय जागरण और इस जागरण से देश को मजबूत किया जाएगा।
और मैं उस डिटेल्स में नहीं जा सकता हूं कि उसका कैसे कोऑर्डिनेशन, एक स्वराज स्थापन समिति की कल्पना वहां की गई है, स्वराज स्थापन समिति जो नया इतिहास लिखेंगे, जो जो लोगों को समझाएंगे कि कैसे इतिहास लिखा जाना चाहिए, कैसे देश को समझना चाहिए। गुरुदत्त इस उपन्यास में एक जगह कहते हैं, सर मेरे पास कितना टाइम है, मैं कहीं अतिक्रमण तो नहीं कर रहा हूँ? 5 से 10 मिनट। अच्छा 10 मिनट कर रहा हूँ। तो ये जो गुरुदत्त की बातें हैं, इस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि एक जो लेखक है, पढ़ा लिखा आदमी है, वो दंगों को कैसे देख रहा है, मुसलमान हिंदू के संपर्क को कैसे देख रहा है, और उसके साथ ही जो तमाम महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जहाँ से कि 1942 है, किसी सुभाष चंद्र बोस हैं, आज़ाद हिंद फौज है, कैसे नाहर सिंह को भेजा जाता है सुभाष चंद्र बोस से मिलने, वो असम जाते हैं, ये सब प्रसंग उसमें आए हैं। और उसके बाद शायद जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि पूरे देश में कैसे जो है ये जो हिंदू हिंदू राष्ट्रवाद है, या हिंदू हिंदू जो लोग हैं वो कैसे काम करें, इसका एक पूरा ब्लूप्रिंट जो है 1940 के दशक में इनको उपन्यास में उपलब्ध है। और ये काम करने वाला आदमी जो है जो है वो लेकिन नरेंद्र नाम का, और वो बतलाता है, वो एक ब्लू प्रिंट जैसा दे रहा है कि वो पूरब के जो देश हैं, जो भारत के पूरब के जो लोग हैं, उसकी तरफ हम लोग को देखना चाहिए, हम लोगों को पूर्व एशिया की तरफ देखना चाहिए, और भारतीय जो 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 इंडियन हिस्ट्री है उसका, जो ग्रेटर इंडिया और सब तमाम चीज़ों को उसमें किताब में दिया है। अब आता है वो प्रसंग जहाँ पर कि मैंने सुभाष चंद्र बोस का बहुत ही दिलचस्प प्रसंग है उसको छोड़ दिया है, जो इच्छुक होंगे वो उसको डिटेल्स को पढ़ना चाहेंगे। लेकिन विश्वासघात नामक एक उपन्यास है, देश की हत्या नामक एक उपन्यास है, उसमें गुरुदत्त इस कहानी को लगभग क्रोनोलॉजिकली ले जाते हैं, क्रोनोलॉजिकली। और मैंने पाया कि उन्होंने जो सोर्सेस का इस्तेमाल किया है वो सोर्सेस लगभग जो है हिस्टोरिकल सोर्सेस, जैसे जो तिथि वगैरह है, जहाँ जब दंगे हुए हैं उसके क्या कारण है, कौन लोग हैं, सोरावर्दी कहाँ हैं, कैसे ये रिपोर्ट लीक होती है, फिर कैसे बम्बई में जो जिना है, जिना कैसे जो मुस्लिम नेशनल गार्ड्स हैं उसको निर्देश देते हैं, कैसे प्लानिंग होती है, डायरेक्ट एक्शन की प्लानिंग पहले कैसे की जाती है, और बम्बई में भी होता है 1 नवम्बर को, कैलकटा में होता है अगस्त में, फिर दिल्ली को कैप्चर कैसे करने की कोशिश की जाती है, फिर कैसे लड़ाई होती है, कैसे दंगे के समय में जो है हिंदू और मुसलमान बिहेव करते हैं, इसकी जो डिटेलिंग हुई है वो लेकिन बहुत ही मतलब बहुत ही पावरफुल उसका डिस्क्रिप्शन। मैं ये नहीं कहता, मैं उसका कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, एक एक बात जो उसमें लिखी हुई सच है, लेकिन आप उस फ्लो में जब उसको आप पढ़ेंगे तो आप कई जगह ठिठक जाएंगे और कहेंगे कि अब ऐसा हुआ था क्या। और जब आप देखेंगे कि उसके ठीक नीचे उन्होंने कई जगह पर जो है वो फूड जो जो सोर्सेस हैं उसको कोट किया है, जैसे गोपाल दास खोसला हैं, स्टर्न रेकनिंग एक है, इट कैन बी टोल्ड नो इट कैन बी टोल्ड एक किताब है, मतलब जो किताबें उपलब्ध थी, जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं और जो उनके अपने सोर्सेस, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया। अब आगे बढ़ते हैं, उसमें एक डिस्क्रिप्शन है जो काफी चौंकाने वाला लगा, और इसको मैंने अन्य उपन्यासों से जोड़ने की भी कोशिश की तो पाया कि 3 मार्च से सितंबर 47 तक ये जो फेज है जिसमें कि सबसे ज्यादा दंगे हुए थे, उसमें एक खास पॉलिसी के तहत मुस्लिम लीग ने काम किया था। मुस्लिम लीग ने कैसे यूनियनिस्ट पार्टी को पंजाब में मतलब हटाया था, और कैसे लाहौर में काम किया था, उसकी जबरदस्त डिटेलिंग इस किताब में। मैं चाहता हूँ कि इसको सही ना मान करके इसकी जांच हो, कोई इतिहासकार
एक एक चीज को पकड़े और उसकी डिटेलिंग करे और देखे कि हाँ ये जो डिस्क्रिप्शन है ये गलत है, ये पढ़ाया हुआ है, ये हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ा लगाने के लिए है, वो ये भी करे लेकिन ये डिटेलिंग आनी चाहिए। जैसे लाहौर के लोग हैं, हमको पता ही नहीं है 16 अगस्त को भी कि लाहौर जो है वो भारत में है कि पाकिस्तान में, जालंधर में मुसलमानों को पता ही नहीं है कि वो भारत में है कि पाकिस्तान, इसकी जिम्मेवारी तो किसी न किसी को लेनी पड़ेगी। ये डिस्क्रिप्शन तो यशपाल के यहाँ भी आता है। तो ये जो चीजें हैं, जैसे बरेली में जो जो छावनी है, उस छावनी में जब गांधी जाते हैं, नेहरू जाते हैं, तो मीटिंग नहीं कर पाते, इस तरह का एक एक माहौल है। और गांधी हत्या के समय भी जो डिस्क्रिप्शन उन्होंने किया है वो भी बहुत ही चौंकाने वाला है, बहुत ही चौंकाने वाला है। कई लोगों को ये लगता होगा कि गांधी हत्या को उन्होंने जस्टिफाई किया है। मुझे, मैंने उसको बार बार वो प्रसंग पढ़ा और मैंने पाया उन्होंने गांधी के विरुद्ध हिंदुओं के बीच में जो सेंटीमेंट बन गया था, इसकी उन्होंने वहां पर पूरी व्याख्या की है, वर्णन किया है। मुझे वहां थोड़ी असुविधा हुई है, अभी भी होती है, जहाँ की वो गांधी की तुलना, एक एक पात्र है इसका जो गांधी हत्या की खबर के बाद बिरला हाउस जाता है और उसके मन में एक ऐसे एक, एक जर्सी का स्मरण होता है जो अपनी बात मनवाने के लिए लोगों को जो है नंगा होके खड़ा हो जाता था, बोलता था मेरी बात माने, सभी लोग डर के मारे उसकी बात मान जाते थे क्योंकि वो जो है इतना बड़ा बवाल कर सकता था या उसकी मृत्यु होने पर लोग बहुत परेशान हो जाते थे, इसलिए लोग उसको पैसा दे देते थे, उसको चरस दे देते थे ताकि वो चुपचाप रहे। ये बात मुझे बहुत खराब लगी और मुझे लगा कि गुरुदत्त को इस तरह का डिस्क्रिप्शन गांधी के संदर्भ में नहीं करना चाहिए और वो मैं इस बात के बारे में फिर कभी अलग से चर्चा करना चाहूँगा कि ऐसा क्यों कहा, इतनी कहाँ से आई। अंत में एक किताब है आज़ादी के बाद के समय की स्थितियों को लेकर के, और एक किताब है नेहरू युग में जो हिंदुओं को कठिनाई हुई थी उसके बारे में। मुझे टेम्पटेशन तो हो रहा है उसमें जाने का, लेकिन मैं उधर जाऊंगा नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं उस प्रसंग को छोड़ दूं और एक दो बातें कह के अपनी बात को समाप्त करूं। एक तो ये है कि गुरुदत्त जो है वो संघ के प्रभाव में आए थे, लेकिन संघ में उन्होंने वो कभी शामिल नहीं हुए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में वो कभी शामिल नहीं हुए, कभी शाखा नहीं गए। और उनका संबंध जो है ये जो जो हिंदू राष्ट्रवादी पार्टियां थी उसके साथ बड़ा जटिल किस्म का संबंध था। 1952 में जनसंघ का जब की स्थापना हुई तो उसके संस्थापक सदस्य थे, लेकिन उनका संपर्क जो है बड़े स्वतंत्र चेता व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी स्वाधीनता को बहुत महत्वपूर्ण माना और कहा कि आंदोलन जो है वो बहुत से ज्यादा महत्वपूर्ण है जन जागरण। ये बात वो बार बार कहते थे, जो 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 सत्ता है उस सत्ता को उसी को सौंपना चाहिए जो सत्ता की जिम्मेदारियों को समझता है, सबको आप बराबर नहीं कर सकते। ये बात वो बार बार अपने उपन्यासों में बुलाते हैं और कहते हैं कि जो जो नेतृत्व हो करे उसको लेकिन अपने नेतृत्व की मर्यादा का भान होना चाहिए। और इस क्रम में वो अपने जो दल के लोग थे उससे वो टकरा भी जाते हैं। एक दो प्रसंग बहुत चलते चलते मैं कह सकता हूँ। एक है 1953 का प्रसंग जिसमें वो कश्मीर में जाते हैं, श्याम प्रसाद मुखर्जी के साथ वहाँ जाते हैं कश्मीर में, और ये बात कम लोगों को मालूम है, बहुत सारे लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वो कश्मीर में जब श्याम प्रसाद मुखर्जी गए थे तो उनके साथ जाने वाले गुरुदत्त थे, और श्याम प्रसाद मुखर्जी के साथ उनकी जो बातचीत होती है वो भी बहुत दिलचस्प डॉक्यूमेंट है। इसमें हिंदी का प्रसंग है, जिसमें भाषा के प्रति दृष्टि का मामला है, राष्ट्रीयता का मामला है, हिंदू मुसलमान का मामला है, अंग्रेजी का मामला है, भारत के स्वाधीन होने का प्रसंग के जो चरित्र है, वो भारत जो स्वाधीन हुआ है वो किस तरह से स्वाधीन हुआ है। जैसे जैसे मैं भूल रहा था, वो जो नरेंद्र जिसका मैंने जिक्र किया, वो नरेंद्र जो है लाल किले में कैद है और वो देख रहा है कि उसके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, उसको क्रांतिकारी समझते, उसकी बहुत पिटाई हुई है, लगभग वो मरणासन्न था, मर ही जाता, लेकिन किसी तरह से बच गया है। और वो देखता है कि उसका जो ससुर है जो बहुत बड़ा पुलिस अधिकारी था उसको बार बार लोभ दे रहा है कि तुम यहाँ से निकल जाओ,
अमेरिका में तुमको हम लोग सेटल कर देंगे, लेकिन यहाँ से निकल जाओ। वो देखता है कि 15 अगस्त के दिन सभी लोग उत्सव मना रहे हैं, कोट टाई पहन करके टाई जो है कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, और वो जो पुलिस अधिकारी था वह भी नाच रहा है, जिसने उन क्रांतिकारियों को मार डालने की पूरी चेष्टा की थी। तो वो कहता है कि आजादी किसकी है, कौन आजाद हुआ है? और वो बताता है कि माउंटबेटन अभी भी बना हुआ है, पुलिस आर्मी का प्रधान जो है वो अंग्रेज है, भारत घट चुका है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा बोल रहे हैं, सिंध कहाँ है, भारत घट चुका है, करोड़ों लोग इधर से उधर हो चुके हैं, 60-70 लाख लोग जो हैं वो वहाँ से यहाँ गए, यहाँ से वहाँ गए, और हम लोग नाच रहे हैं, ये किसकी आज़ादी है, कैसी आज़ादी? बड़ा बहुत ही वो नरेंद्र जो है वो उस वक्त ये कहता है। तो ये इस सारे प्रसंगों में बहुत सारे ऐसे ऐसी चीज़ें वो अपने डिस्क्रिप्शन में ले आते हैं, जिस डिस्क्रिप्शन में जाने पर कोई भी इतिहासकार असहज हो जाए। और ये अकारण नहीं है कि गुरुदत्त पर एक किसी हिस्टोरियन का मामूली, मेरे जैसे मामूली हिस्टोरियन के काम करने को भी लोग अच्छी तरह से नहीं ले पाते, उनको लगता है कि ये एक किस्म का बिट्रेयल है, इतिहासकारों को वहां नहीं जाना चाहिए, गुरुदत्त की चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़े लेखक नहीं। और लगभग जो है एक विशियस कैंपेन चलाया जा रहा है कि जो लोग गुरुदत्त पे चर्चा करते हैं उनको राष्ट्रीय आंदोलन में बात करने के कोई अधिकार नहीं है। तो ये बात मैं थोड़ी पीड़ा से ही कह रहा हूँ, लिखा ना ले, लेकिन ये जो बातें हैं, इतिहासकार का काम बड़ा निर्मम होता है, बहुत ही जो काम होता है उसमें इतने तरह की दिशाओं में जाना पड़ता है, खास के उन उन छोटे प्रसंगों को लाने के क्रम में किस किस तरह की यात्राएं करनी पड़ती है, ये किसी ईमानदार इतिहासकार से भी पूछे। लेकिन अंत में ये कश्मीर प्रसंग में उनका मतभेद हो जाता है, और वो बाद में देखते हैं कि जो जो पार्टी बनी है उसके ऊपर आरएसएस का एक दबाव, और वहाँ वो देखते हैं उनका मतभेद होता है उपाध्याय से, दीनदयाल उपाध्याय से, और इस कारण से देखते हैं कि जो दीनदयाल उपाध्याय के साथ नहीं है उनको साइड कर दिया जाता है, गुरुदत्त भी अपने को उससे अलग कर लेते हैं उस प्रोसेस से, लेकिन वो अपनी स्वाधीनता को नहीं, और उस स्वाधीनता के नहीं खोने का कुछ कुछ कारण है। गुरुदत्त से जो लोग परिचित हैं, गुरुदत्त के जो व्यक्तित्व से जो लोग परिचित हैं, उनको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि कैसा व्यक्ति, जिसको बाहर से ये समझा जाता है कि वो एकदम हिंदुत्ववादी था, उसको कितना अपने अपनी तरह की निष्ठा के साथ जीने वाला था, वो बहुत कुछ हासिल कर सकते थे लेकिन नहीं किया। उनके साथी लोग जो है वो कांग्रेस में चले गए, लेकिन वो नहीं गए, बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा, अलग हो गए। और 60 के दशक में एक इतिहास परिषद बना था, और इतिहास परिषद वालों ने ये कहा था कि भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ करके एक खास तरीके से पेश किया जा रहा है। और उन लोगों में जिन लोगों ने इतिहास परिषद की तरफ से जो जो काम किया है, वो उनकी ये 66 या 67 की बात है, उसमें जो नेतृत्व दिया गया था कि भारत का इतिहास जो है वो भारत के संदर्भ को ध्यान में रखकर के लिखा जाना चाहिए, भारतीय दृष्टि से लिखा जाना चाहिए, मैकॉले की संतान की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए, एक तरह से डीकोलोनाइजेशन प्रोजेक्ट के साथ वो अपने आप को जोड़ते हैं, और उसमें वो नेतृत्व देते हैं। ये 66-67 की बात है, वो जीवित रहे 89 तक, बाद के फेज में क्या हुआ मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखता, लेकिन मैंने इन 5 उपन्यासों और 2-3 अन्य किताबों के माध्यम से एक एक ऐसे व्यक्ति के बारे में और उसकी इतिहास दृष्टि के बारे में, उसके डिस्क्रिप्शंस में ऐसी बहुत सारी चीजें पाई जिससे ये लगता है कि इतिहासकार की नज़र उन उस ओर जानी चाहिए और ये महसूस करना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ एक ही दृष्टि नहीं थी, इसके समानांतर इसके आसपास अन्य दृष्टियां भी थी, जिन दृष्टियों वो उस वक्त महत्व कम मिला, बाद में हो सकता है उनको महत्व मिल जाए। इसलिए उस समय के इतिहास को टटोलने के लिए, उस समय के इतिहास के अन्य किस्म के वैकल्पिक दृष्टि की तरफ जाने की जरूरत है, और हमको लगता है कि भारत में, मैंने इस बात को अपनी किताब में बार बार जाहिर किया है और स्पष्ट रूप से कहने की कोशिश की है कि भारत के इतिहास को अभी कई और दृष्टियों से लिखे जाने की जरूरत है। अतीत की चर्चा जब हम करते हैं तो अतीत की चर्चा को खुले मन से भी करना चाहिए, कभी कभी अब
हाइपोथेटिकल काउंटरफैक्चुअल जो है वो भी हमारी सहायता कर सकता है, काउंटरफैक्चुअल्स बनाना है कि अगर अगर खिलाफत मूवमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, इसकी चर्चा होती है, अगर चौरी चौरा को ना रोका गया होता, अगर सुभाष चंद्र बोस का साथ नेहरू ने दे दिया होता, अगर 1942 सक्सेसफुल हो जाता, अगर क्रिप्स मिशन मान लिया जाता, अगर कैबिनेट मिशन का प्लान मान लिया जाता, अगर विभाजन नहीं होता, ये सारे सवाल इतिहासकार के मन में उठने चाहिए। क्या होता अगर 47 में 47 से 52 के बीच में जो 5 बरस हैं उसमें अंग्रेजों ने जो कांग्रेस को सत्ता सौंपी वो न सौंपी होती? कांग्रेस को अंग्रेजों ने सत्ता सौंपी थी, वो उसको गुरुदत्त कहते हैं स्वराज दान, वो दान मिला था गुरुदत्त कहते हैं, ये दान था, ये कोई लड़के लिए भी आजादी नहीं थी, लड़के पाने वाली आजादी जो थी उसके लिए जो लोग सचेष्ट थे वो सफल नहीं हो पाए, उसको उन्होंने 100-200 बल्कि मैं कहूँगा 300-400 पृष्ठ लिखे उनकी कैसी तैयारी थी आदि आदि। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, इसी से अपनी बात समाप्त करता हूँ, कि अतीत चर्चा में जब अतीत के बारे में बात करें तो उसको उसकी विभिन्न दिशाओं की तरफ भी जाएं, वैकल्पिक स्रोतों की तरफ भी जाएं, और संभव है कि जो राजनीतिक उपन्यास हैं इन राजनीतिक उपन्यासों से वो एंट्री पॉइंट हम लोगों को मिल सके जिससे कि हमको वो बात समझने में मदद मिले कि ये अचानक ये जो वर्तमान में जो तरह तरह की चीजें जो निकल के आ रही हैं, जैसे लगता है कि जैसे कोई क्लास से और कहानी से कथा से सबसे जो है ये भूत जो निकल रहा है राष्ट्रवाद का, इसका भी कोई इतिहास का है या है? ये इसके पूर्व पहले का भी कुछ इतिहास है, उसके बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए। अभी हम लोगों के लिए मंथन का समय है और मंथन में नई नई चीजें निकलेंगी, इसे घबराना नहीं चाहिए। इतिहासकारों का काम इस समय बहुत जटिल है, बहुत कठिन है, लोकप्रियता इतिहासकार के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। एक लोकप्रिय इतिहासकार कभी भी सच्चाई की तरफ दृढ़ता के साथ नहीं बढ़ता है, इसलिए और बहुत सारे लोग आएंगे और विभिन्न तरह के स्रोतों के सहारे एक, एक एक और बेहतर समझ उस महत्वपूर्ण और कॉम्प्लेक्स समय के बारे में बना पाएंगे, ये आशा मेरी अभी गई नहीं है। मुझे उम्मीद है कि नए लोग जो आएंगे वो इंडियन आइडियोलॉजी के बाहर भी जानना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि लोगों ने जो किया, जो सोचा, जो हो न सका, उन सब की कहानी ही हमारे इतिहास का हिस्सा है। आपने मेरी बेतरतीब बातों को इतनी देर सुना, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, मुझे बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया हितेंद्र जी आपका अपने विचारों को इतनी सहजता और साफगोई से रखने के लिए। चूंकि यह किताब पर आधारित चर्चा है और इतने कम समय में किताब में उल्लेखित सभी बिंदुओं को रखना संभव नहीं, और मैंने किताब ठीक ठाक पढ़ी है, लगभग पढ़ी ली है, तो कुछ सवाल या टिप्पणी मेरी तरफ से जो शायद आपको कुछ और बातें कहने का मौका देंगे स्पष्टीकरण या जवाब के माध्यम से। तो ये थोड़ा लंबा होगा, 5-6 मिनट में ले सकता हूँ। तो हालांकि मैं ज्यादा विस्तार में न जाकर अवधारणाओं और अन्य अर्थों के सहारे प्रविधि से संबंधित यानी मेथोडोलॉजी संबंधित कुछ सवाल पहले पूछूंगा, शायद पहले साहित्य के स्टैंड पॉइंट से, फिर हिस्ट्री के स्टैंड पॉइंट से, और बेसिकली दोनों के मेल जोल के बारे में, चूंकि यह किताब उसी के बारे में है अंततः। तो किताब से भी और व्याख्यान से भी ऐसा जाहिर होता है कि यथार्थ और यथार्थवाद में फर्क करना कोई फर्क नहीं है, या अगर है मेरे हिसाब से तो निश्चित तौर पर है, अकादमिक दुनिया के नजरिए में भी है। तो आखिर
बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस किताब को पढ़ने से ये जाहिर होता है कि यथार्थ और यथार्थवाद में कोई फर्क नहीं, यानी अभिव्यक्ति की हर विधा और शैली के अपने प्रोटोकॉल होते हैं, कम्युनिकेशन के खास मायने होते हैं, उन सभी को हम दरकिनार कर सकते हैं और इस किताब में शायद ये जानबूझ कर किया गया है। तो यथार्थवाद की अवधारणा या वैचारिकी अगर अनुपयोगी है तो क्यों है, इसके बारे में अगर आप कुछ कहें। जिसके क्योंकि ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा ही लगा कि साहित्य यहाँ अपने एकदम स्थूल अर्थों में है ना, जो आईना है जो सच्चाई दिखाती है, अगर अच्छे क्वालिटी का हो तो धुंधला व छुपा भी दिखा देगी। मतलब साहित्य के समाज का दर्पण होने का जो चलता हुआ मुहावरा है वो यहाँ राजनीति पर भी लागू है कि वह राजनीतिक यथार्थ भी दिखाएगी अगर आप राजनीति को साहित्य में ढूंढ लें, और वह भी राजनीति यहाँ अपने बड़े ही परंपरागत या स्थूल अर्थों में है, पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में। राजनीतिक उपन्यास साहित्य राजनीति का साधारण दर्पण हो सकता है, अब वो सिर्फ परावर्तन ही करता है ना, अपवर्तन नहीं कर सकता, वो सीधा सीधा है, सब दिख रहा है, टेढ़ा मेरा भी नहीं है, बस साहित्य में जाइए, तथ्य सामग्री जुटा लीजिए। क्या आपको साहित्य को इतिहास का कच्चा या पका पकाया माल की तरह लगभग सीधा मशीनी इस्तेमाल से कोई गुरेज नहीं? अगर है तो क्या है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं? एक और जुड़ी हुई बात कि साहित्य भी इन अर्थों में एक तरह से पिछलग्गू या नहीं पिछलग्गू तो बस संगिनी है इतिहास और समाज विज्ञान की, है ना, वो मसाल तो नहीं है ना। तो जो होने वाले या आगे होने वाले पर रोशनी डाले, है ना, तो इन अर्थों में रेमन विलियम्स या सुदीप्त कविराज या वीर भारत तलवार अपने, है ना, जिनका प्रेम आश्रम का अध्ययन मुझे तो काफी इंसाइटफुल लगता है ना, जो कि यह दिखाता है कि प्रेमचंद का उपन्यास प्रेमाश्रम कैसे अवध आंदोलन के वास्तविकता होने के पहले उसको एंटिसिपेट करता है ना। तो इस सेंस में ये कुछ कमेंट्स हैं। इसके अलावा जो एक और बात, इनफैक्ट दो तीन बातें और हैं, तो कुछ छूटी हुई बातें, चूंकि आप छूटी हुई बातें और छूटे हुए इतिहास की बातें हैं, तो छूटे हुए इतिहास लेखन की चर्चा करूंगा या क्यों आपने उसे नजरअंदाज किया है उस पर आप कुछ कहें। जैसे मूलतः ये जो फ्रेमिंग है आपका वो विपिन चंद्रा वाला फ्रेमिंग है ना, 40 साल 50 साल पहले जो उन्होंने किया था, बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेमिंग, पुराना होने से कोई वो महत्व जो है वो खत्म नहीं होता ना। एक कांग्रेस की समन्वयवादी धारा है, एक क्रांतिकारी विप्लवी जो कि कम्युनिस्ट धारा में भी तब्दील होती है, एक सांप्रदायवादी या सांप्रदायिक राष्ट्रवादी धारा है, और इन तीनों में से कुछ जो है वो नजरअंदाज कर दिए गए हैं या काफी सारे नजरअंदाज कर दिए गए हैं और उनको हम बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सराहनीय है। लेकिन आपके पूरे डिस्कशन में, किताब में भी और रिफरेंसिंग के मामले में भी से लेकर के इस फ्रेमवर्क के बियॉन्ड और उसके बाहर या उनको चुनौती देने वाले जितने इतिहास लेखन हुए हैं उनकी कोई चर्चा नहीं है, जैसे सबाल्टर्न या पोस्ट कॉलोनियल या फेमिनिस्ट या फॉर दैट मैटर जो भी कल्चरल हिस्ट्री राइटिंग्स जो जितने हुए हैं, है ना, जैसे निखिल गोविंद की जो किताब है, इन्हीं यशपाल और बेसिकली रिवोल्यूशनरीज का जो पोर्ट्रेयल है साहित्य में, हिंदी साहित्य में, उसको लेकर पहला तो बंगला पे है चैप्टर, या फिर फिक्शन का हिस्ट्री में हम कैसे इस्तेमाल करें, जो वसुधा डालमिया की हालिया किताब है फिक्शन एज हिस्ट्री। तो और जहां तक इतिहास लेखन में रिवोल्यूशनरीज को नजरअंदाज करने की बात है, तो वैसे ही कामा मैकलीन की किताब या आपके पड़ोस में शुक्ला सान्याल की किताब, है ना, जो वो सब, तो एक तरह से रेफरेंसिंग भी जो है वो थोड़ा नामवरी परंपरा की तरफ चला जाता है, वो वीर भारत तलवार की परंपरा पे नहीं है कि रेफरेंसिंग के मामले में ध्यान ना भी दें तो क्या फर्क पड़ता है, हम बात करते रहें
अपनी बात कहें वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि महत्वपूर्ण है बात कहना। एक और बात वो है कि जिस पर आपने फोकस किया, आर्य समाजी से क्रांतिकारी, फिर कांग्रेसी, फिर साथ साथ हिंदू महासभा और जनसंघ और संघ के रास्ते चलने वाले एक लोकप्रिय लेखक की, गुरुदत्त की, तो उनकी राजनीतिक रुझान के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं, वो सिर्फ पढ़ते हैं कि उनके उपन्यास, तो वो तो सही है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उस पर आपने लिखा और शायद शुरुआत की है, इस पर और भी काम होने चाहिए। लेकिन कुछ इशारे जो आप दे रहे थे उसको लेकर, मेरे हिसाब से ये हिंदू राष्ट्रवादी एक राजनीतिक सौंदर्य के निर्माता हम कह सकते हैं, जो कि नॉवेल्स में उनके दिखते हैं। स्वतंत्रता के पथ पर आपने जितनी डिटेलिंग की है, मतलब जो लगभग उपन्यासों का सार आपने जो दिया है उस चैप्टर में, जिसको आप तथ्य की तरह देखते हैं, अगर हम उसको थोड़ा मेरे अपने नजरिए से तो वो एक रोमांचकारी उपन्यास है ना, रोमांटिक नॉवल है कि जो यूथ है वो बेसिकली इट्स फुल ऑफ लव, पॉलिटिक्स, सेक्सुअल अट्रैक्शन, है ना। तो राजनीति जो है वो सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स की राजनीति ही नहीं है, वो घर परिवार पितृसत्ता के खिलाफ या उससे दूर जाने की, सेक्सुअल ट्रांसग्रेशन की, मैन वुमेन रिलेशनशिप की, इन सब चीजों के बारे में वो प्रतीत होती है, है ना। तो राजनीतिक राजनीति का पार्टी पॉलिटिक्स तक सीमित करके उसको पढ़ना और फिर उसके एस्थेटिक्स के एस्पेक्ट को भी समाहित करने से शायद हम गुरुदत्त की अपील को, या एक कोई लोकप्रिय लेखक क्यों होता है इस तह तक शायद हम पहुंच सकते हैं। जाहिर है कि एक ही स्टडी में यह सब संभव नहीं, आपने रास्ता खोला है और बाकी लोग उस पर और भी काम करेंगे। एक मेथोडोलॉजिकल, ये जैसे कि आपने बड़ा अच्छा किया कि उनकी बायोग्राफिकल डिटेलिंग पहले की है, जिससे कि पता चलता है कि शायद कुछ बदल भी रहा हो उनके जीवन में। बेसिकली एक इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री के मैपिंग के लिए आपने वो प्लेटफॉर्म बनाया है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मुझे थोड़ा कमजोर लगा। हाँ, जैसे रीजनल लोकेशन है गुरुदत्त का, है ना, वो नेशनल पॉलिटिक्स में तो सब लोग पंजाब में आर्य समाजी या पंजाब का एक हिंदू होना और उत्तर प्रदेश का हिंदू होना, दोनों में फर्क भी हो सकता है और है भी शायद। तो वैसे ही महाराष्ट्र का ब्राह्मण होना और बिहार का ब्राह्मण होना, दोनों में फर्क होता है। पंजाब का दलित होना और महाराष्ट्र का दलित होना, दोनों में फर्क होता है। तो ये सब कुछ न्यूआंसेस हैं जो कि, और जैसे उनके बदलते हुए विचार, ऐसा लगता है जैसे कि वो शुरू से ही पके पकाए विचार हैं, है ना। कम से कम ये क्लियर नहीं हुआ, अगर इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें कि कैसे उनके विचार बदल रहे थे, क्योंकि उनके विचारों जो कि बेसिकली अभी जनसंघी या जिसको भाजपाई विचार कहते हैं, कह सकते हैं, या उसका एक प्रिकर्सर कह सकते हैं, तो वो विचार जो है वो 60 के दशक के बाद जो उनके संस्मरणात्मक या आत्मकथात्मक लेख हैं उसके जरिए आप वो कह रहे हैं, जो कि सीधे सीधे उपन्यासों के कैरेक्टर्स के थ्रू जो आप निकलवाना चाह रहे हैं उससे वो हर समय मेल नहीं खाता है। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन शायद समय कम था, आप इस पर ना बोल पाए, या किताब में अगर छूट गई हो तो वो आप स्पष्ट कर दें। अभी मेरी तरफ से इतना ही, पहले आप अगर चाहें तो इसका इसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हम अन्य श्रोताओं के लिए। बहुत संक्षेप में, मुझे लगता है कि आपने जो बातें कही है उसमें से अधिकतर बातें मुझे सही लगती हैं। मुझे लगा कि इस काम में जो 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 आपने क्रिटिसिज्म किया है वो वैलिड क्रिटिसिज्म, और मैं एडमिट करता हूँ कि ये बहुत सारी चीज़ें इसमें मुझे और भी कहनी चाहिए थी, ज़्यादा नुआंस जिसको आप कह रहे हैं उसकी वैसी चर्चा, खास कर जब वो कह रहे हैं आप कि जो पंजाब का हिंदू होना, यूपी का हिंदू होना, बंगाल का हिंदू होना अलग अलग है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि जब आप इस तरह की बात कर रहे होते हैं
तो आपके पास गुंजाइश होती है कि आप उन चीज़ों को और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से कहने की कोशिश करें, और ख़ास के जिस फ्रेम में आप बात को रख रहे हैं, मैं उससे बहुत मुझे प्रॉब्लम नहीं है, कमजोरी है, मैं इस बात को एडमिट करता हूँ। लेकिन मेरा मूल जो प्रश्न है ये है द्वार खोलने और ये बात द्वार खोलने तक भी मैं अगर पहुंच पाया तो मैं समझता हूँ कि मैंने अब छोटा सा काम कर दिया। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो कच्चा माल है, इतिहासकार जाएगा और उसको तथ्य की तरफ उठा लेगा, मैं बिल्कुल ये क्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन इन तथ्यों की तरफ, तथ्य अगर ना भी कहे, इन डिस्क्रिप्शंस की तरफ जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस डिस्क्रिप्शन से तथ्य के निकलने की जो संभावना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वो ऐसे इलाके हैं, देखिए छूट जाना होता है, लेकिन मेरा कहना ये है, मेरा सबमिशन ये है कि ये छोड़ दिया गया है, और दोनों में फर्क करना चाहूँगा। ये एक खास किस्म का दबाव है जो कि इस तरह के राजनीतिक प्रसंगों को छोड़ने के लिए उनको प्रेरित कर रहा है। ये अगर ये फ्रेमवर्क की प्रॉब्लम है तो उनकी भी प्रॉब्लम है जिन्होंने इसको छोड़ा है, ये मैं एक कहूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने विपिन चंद्रा को इस संदर्भ में याद किया। मेरे बहुत सारे मित्र जो हैं वो शायद मेरी बात को विपिन चंद्रा के एकदम उलट बात के रूप में देखते हैं, मैं नहीं देखता। मैं बहुत प्रसन्न हुआ इस बात को सुनकर। और वो जो आपकी बात है सबॉल्टर्न फेमिनिस्ट और कल्चरल थियरिस्ट पूरा सब को मैंने जानबूझ करके भी, मेरी थोड़ी जानकारी भी कम है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं जिस टर्म्स में इस कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल हिस्ट्री को प्राथमिक रूप से समझने के लिए आदमी बढ़ता है उसको मैं एड्रेस करूँ। मेरे मित्र कहते हैं कि इसमें अम्बेडकर इज मिसिंग, इसमें नारी का कोई मामला नहीं है, इसमें ये नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ और मैं उनको तिरोधार करता हूँ उन बातों। लेकिन जो की है, क्रक्स है, जिसको मैं समझता हूँ कि जब तक ये जकड़न नहीं टूटेगी, भारत का राजनीतिक इतिहास एक ही तरह से दोहराया जाता है, जो वही मेरा मूल जिस पर मैं चोट करना चाहता हूँ कि इससे निकलना होगा। अदरवाइज क्या होगा कि घूम फिर के कहानी जो है वो उसी तरह की उलझाव में रह जाएगी। आपने एक प्रसंग है, मराठी एक आदमी है जो सदाशिव नाम का है, अगर आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, एक सदाशिव है जो चित्रभवन ब्राह्मण है, और जब डिबेट हो रही है दंगे के बाद, जो डिबेट हो रही है बंबई असेंबली में, तो कहा जा रहा है कि ये दंगा जो है, ये हिंदू मुसलमान का जो सारा दंगा है वो मुस्लिम लीग नहीं करवा रही है, वो करवा रहे चित्रभवन ब्राह्मण ही असल में बंबई के दंगे के लिए दाई है। और सदाशिव के डिस्क्रिप्शन में वो बहुत खुल करके बात आती है। और बंगाल के संदर्भ में एक कैरेक्टर है अनिमा बनर्जी के पिता वो क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े रहे हैं, और मुझे मेरा सस्पिशन है, मैं ये बात महसूस करता हूँ कि गुरुदत्त जो अपने डिस्क्रिप्शंस में लाते हैं उसका कोई ना कोई वो बेस कहीं ना कहीं से वो प्राप्त करते हैं, और इसलिए मुझे उनको उनके बारे में बात करते हुए थोड़ी सीरियसनेस की जरूरत होती है। ये मेरा एक अनुमान है कि वो कोई डिस्क्रिप्शन जो है सिर्फ और सिर्फ अपने मन से गढ़ के नहीं निकालते, वो कहीं से कोई सुनी हुई बात, कहीं कोई बात उनको मिलती है, उसको उस अपने कहानी में लाने की कोशिश करते हैं। इसलिए सदाशिव और अनिमा बनर्जी की जो कथा है, और जब उसको आप डायरेक्ट एक्शन डे के जो डिटेल्ड हिस्ट्री है उसके साथ जोड़ के देखेंगे तो शायद कोई एक मतलब उसका होगा। लेकिन मैं उस बात से सहमत हूँ कि 60 के बाद के जो आपने अंत में कहा वो बात शायद एक लिमिटेशन की तरफ संकेत करती है, और मैं चाहूंगा कि इस पर जो है और बेहतर तरीके से बातचीत हो सके। मैं इस गुंजाइश को रूल आउट नहीं करता, लेकिन जो मैंने गुरुदत्त पे आज चर्चा की, भगवती चंद वर्मा पे चर्चा करने से शायद ये बात, मैं उतना वल्नरेबल नहीं होता। यशपाल पे तो बहुत आसानी से उस बात को डिफेंड किया जा सकता है, यशपाल के ऊपर वो सारे आरोप नहीं लगते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग मुझे ये लगता है कि यशपाल कम्युनिस्ट, भगवती चंद वर्मा निश्चित रूप से हिंदू नेशनलिज्म के आदमी नहीं है,
और गुरुदत्त इनके बीच की कॉमनलिटी बहुत सारी है, और यही बात जो है मुझे अभी भी परेशान कर रही है कि ये जो कॉमनलिटी है जो 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 तीन धारा के जो उपन्यासकार हैं उनके बीच में है, लेकिन इस ये इतिहास में गायब है। ऐसा कैसे हुआ? अब आप कहेंगे कि नहीं, इतिहासकारों ने भी किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बारे में इतिहासकारों ने अपने अपने तरीके से छोटे छोटे इलाकों में जो जो किया है उसका कोई राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव बनाने वाली चीज जो है बने, क्योंकि नेशनलिज्म पर बात करना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। जैसे गुरुदत्त का एक उदाहरण मैं दूंगा, वो कहते हैं, ये गुरुदत्त की बात नहीं है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो भारत में लड़ाई चल रही है उसमें जो जो पश्चिमी शिक्षा से दीक्षित लोग हैं कांग्रेस उनका प्रतिनिधित्व कर रही है, हिंदू साइड से कुछ और लोग हैं, मुस्लिम साइड से कुछ और लोग हैं, और उनके बीच में एक ऐसा वर्ग है जो उनका प्रतिनिधि बनकर राष्ट्रीय राजनीति को नियंत्रित कर रहा है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का बार बार जिक्र आता है, हैदराबाद का जिक्र आता है, और जिसको वो हमारे गुरुदत्त जो है वो नहीं लाते हैं, लेकिन बार बार ये जो जो स्वराज स्थापन समिति के लोग हैं अपनी मीटिंग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में करते हैं। बनारस भी एक तरह से एक 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 पॉइंट बन के निकलता है। और दिलचस्प बात ये मुझे लगी कि कई ऐसी बातें उसमें आती है जिसको हम वर्तमान में हो रहे बहुत सारी चीजों से जोड़ भी सकते हैं। तो मैं एक पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री पे बात करें तो साहित्य से हम लोगों को क्या क्या मदद मिल सकती है। मैं डायरेक्टली इतिहास को इतिहासकार को सुझाव नहीं देता कि जो साहित्य में आ रहा है वो ऐतिहासिक तथ्य है, बिल्कुल नहीं, उसकी अपनी रगड़ाई होगी, अपनी एक मंजाई होगी, लेकिन वही टॉनी जूट की बात जिसको मैं बार बार कोट करता हूँ, समथिंग विच साउंड्स ट्रू हैज टू बी गिवन सम अटेंशन। अगर रेणु को पढ़ते हुए, मैलांचल को पढ़ते हुए अगर किसी को ये लगता है कि ये सही है, अगर ये लगता है कि ये जो भामन दास की हत्या होती है वो लॉजिकली एक पॉलिटिकल प्रोसेस का एक 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 स्थल है, तो उसकी जांच तो होनी चाहिए। वो भले ही साहित्य है लेकिन उसमें कालीचरण जो है वो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बन के निकल सकता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। मैं चाहता हूँ इस पर थोड़ी चर्चा हम लोग करते रहे। हो सकता है कि मैं इसमें सिलेक्टिव हो रहा हूँ, नामवरी हो रहा हूँ रादर देन वीर भारत तलवार ईयर, तो मैं ये मैं एडमिट करता हूँ, आई होल हार्टेडली एग्री विद यू दैट ये चीजें इसमें हैं। तो फिलहाल इतना ही, हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये मैं चाहता हूँ कि भारत की अन्य भाषाओं में खास करके बंगला में इस पर बहुत गुंजाइश बनती है, मैं उसके संकेत भल मैंने उसमें दिए हैं, आगे के काम में इसका ध्यान में रखूंगा, और अगर संभव हुआ तो मराठी और मलयालम साहित्य में से कुछ चीजें उठाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं आपके जो ऑब्जर्वेशन थे उसको मैं बहुत महत्व देता हूँ, और मुझे लगता है कि आपने जो कहा वो मुझे, अगर पहले ये बातें मुझसे ज्यादा लोगों ने कही होती तो शायद इसको मैं थोड़ा और दूसरी तरह से भी सोच सकता। धन्यवाद। एक वो लाइटर नोट पे मैंने कहा था नामवरी और तलवारी वो एक फुट नोट में बहुत ही इम्पेक्टेबल है, और एक जो है वो उसमें विश्वास ही नहीं रखते। कुछ सवाल हैं हम यहाँ जो हमारे साथ बैठे हुए दोस्त हैं। पहले रविकांत जी, पहले नौसाद, फिर उसके बाद रविकांत जी, फिर और कोई। अच्छा सर, मेरा नाम नौसाद है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट तो नहीं हूँ, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। लेकिन सर आपके जब वक्तव्य का पहली लाइन शुरुआत हुआ कि री राइट ऑफ हिस्ट्री,
क्योंकि वो हिस्ट्री जो हमारा जो पहले से लिखा गया है वो एक पक्षीय है या किसी परिवार सेंट्रिक है या किसी खास तरह से लिखा गया है। लेकिन जब पूरा वक्तव्य पूरे वक्तव्य में आपकी दो चीजें निकल के आया जो स्पष्ट था, एक पहला कि जो आपके जो उदाहरण थे, जितने मिसालें आपने पेश किया गुरुदत्त के द्वारा, गुरुदत्त के मतलब उनके राइटिंग्स के थ्रू, पहला गांधी के व्यक्तित्व को कटघरे में खड़ा करना था पहला, दूसरा मुस्लिम के चरित्रों पर एक तरह से हमला था जो आज के मुख्य धारा की राजनीति का एक अहम हिस्सा है। और दूसरी बात कि जब आप गुरुदत्त की बात जब कर रहे थे तो बार बार आपने तीन बार जिक्र किया गुरुदत्त राष्ट्रवादी थे, गुरुदत्त राष्ट्रवादी थे, खादी पहनते थे। क्या सर राष्ट्रवादी होने का पैमाना क्या सिर्फ खादी पहनना और ये मतलब क्या हम तय करें राष्ट्रवाद होने का पैमाना क्या है? और आपके पूरे वक्तव्य में जो एक तरह जो हिस्ट्री लिखने की आप कोशिश कर रहे हैं, ये हिस्ट्री क्या कहीं ना कहीं ये भी तो एक पक्षीय को दर्शाता है। क्या उस जमाने में जो मुस्लिम लीडर्स थे, चाहे मौलाना आजाद हो, मोहम्मद अली जौहर हो, चाहे या हयातुल्लाह अंसारी हो, इन लोगों के बारे में तो बिल्कुल गौन है इस आपके वक्तव्य में या किताब में पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन आपके वक्तव्य के आधार पर मैं बोल रहा हूँ सर, बस मेरा यही सवाल। मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ अभी, क्विक रिस्पॉन्स। अगर आप सवाल और उठा लें तो दो तीन, फिर उसके बाद एक साथ जवाब। उपेंद्र जी, जब प्रभात ने प्रपोज किया था कि हम लोग टॉक एक करते हैं और आपकी किताब आई थी हमारे यहाँ भी ताजा ताजा, तो हमने मुझे लगा और मैंने पूछा गुरुदत्त है इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज वो है मेरे लिए, क्योंकि मैं सिनेमा पे काम करता हूँ, लेकिन मैं उस गुरुदत्त से पहले परिचित हुआ जिस पर आप काम कर रहे हैं। और वो यूं कि मेरे चाचा कांग्रेसी थे लेकिन गुरुदत्त के बहुत बड़े प्रशंसक थे, तो गुरुदत्त की लोकप्रियता असंदिग्ध है। पेपरबैक क्रांति में गुलशन नंदा तो अहम हैं ही और बहुत शीर्ष पर हैं गुलशन नंदा, गुरुदत्त भी उतने ही अहम हैं, इतना मैं जानता हूं। इसलिए जरूरी था कि गुरुदत्त पे काम हो, तो इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन मैं फिर अब ये अपने आप से ये सवाल पूछता हूं कि मैंने जब गुरुदत्त को पढ़ना शुरू किया, जब मैं पार्टीशन लिटरेचर पे काम कर रहा है ना, क्योंकि मुझे नाकाफी लगता था इतिहासकारों द्वारा लिखा गया इतिहास, इसलिए मैं साहित्य के जरिए उस इतिहास की आलोचना लिखना चाहता था जो कि सबाल्टर्न स्टडीज के इन द वेक ऑफ सबाल्टर्न स्टडीज जिसको आप कह सकते हैं, उसके आने के बाद जो लिखा जा रहा था। अब यहीं से राजनीति है क्या, इसका सवाल खड़ा होता है। ठीक है, सबाल्टर्न स्टडीज वालों ने यह भी कहा कि अब तक जो पार्टीशन का इतिहास लिखा गया है वो दरअसल हाई पॉलिटिक्स का इतिहास है ना, ये राजनीति के कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी ने जो राजनीति की है उसका इतिहास है। अगर हम आम जनता, वंचितों, शोषितों, तरह तरह के लोगों का इतिहास, उनकी उनके मनोभावों का इतिहास, उनके संघर्षों का, दैनंदिन संघर्षों का इतिहास, उनकी पीड़ा का इतिहास, खास तौर पर पार्टीशन के संदर्भ में अगर लिखें तो हमें कहीं और जाना होगा। इसीलिए उर्वशी बुटालिया ने जो इतिहास लिखा वो लिखा, या हम लोगों ने जो कोशिश की साहित्य को लेकर। अब वहां मुझसे खुद से सवाल ये होगा कि मैंने गुरुदत्त को क्यों नहीं चुना वहां, तो ये जाहिर है और जवाब इसका मेरे सामने साफ यही अब तक निकल करके आता है कि गुरुदत्त वर्णनात्मक शैली में लिखते हैं। मैं अखबार क्यों ना पढ़ लूं उस समय का, अगर मुझे उसी इतिहास को, अगर मुझे रस लेना है। ठीक है, और सिर्फ रस की बात नहीं है, बात यह भी है कि मंटो के बारे में भी यही कहा जाता है जिन पर मैंने काम किया कि वो भी अखबार की सुर्खियों से ही अपना इतिहास लिखते थे, लेकिन उस एक सुर्खी के साथ वो कर क्या देते थे उस कहानी में, महत्वपूर्ण बात यह है। और मंटो को न तो आप हिंदू बना सकते हैं, ना मुसलमान बना सकते हैं, ना हिंदुस्तानी बना सकते थे, ना पाकिस्तानी बना सकते हैं आज तक। शायद यही आकर्षण मेरे लिए रहा होगा मंटो के लिए। ठीक है, इसलिए उनकी कला जो है कहानी कला है, और उसमें जो पार्टीशन दिखता है, मुझे भीष्म साहनी उतने अच्छे नहीं लगते। ठीक है, उनमें दिखता है कि वो सीपीआई के आदमी है। ठीक है, मुझे राही मासूम रजा
वो भी सीपीआई के थे, महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका वो आधा गांव ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो पंजाब और बंगाल से अलग एक कहानी कहता है, एक गांव की कहानी कहता है और बहुत घुस करके उस कहानी को। अब इसी चीज को जोड़ देता हूं मैं आपके उदाहरण से कि कालीचरण और बावन दास, ठीक है, जरूर कालीचरण को समझने की पूरी कोशिश होनी चाहिए, लेकिन क्या मेरे लिए ये जरूरी है या रेणु ने क्या कालीचरण को सेलिब्रेट किया है, या कोई इतिहासकार अगर सेलिब्रेट करे, ठीक है, तो फिर वो उसके बारे में हमको कुछ सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। सवाल ये है कि इतिहासकार और साहित्यकार दोनों की सहानुभूतियां, ठीक है, कहां पर खड़ी हैं लिखते हुए। मैं मानता हूं कि तथ्य वगैरह तो होते हैं, उसके आधार पर ही सारी तर्कणा चलती है। आप अपनी बात को मुझे कहकर कन्विंस करेंगे, मैं अपनी बात कहकर आपको कन्विंस करूंगा, और उसके लिए वो चीज जरूरी है। लिटरेचर कुछ अलग ढंग से वही चीज करती है और वहीं पर वो फर्क जो जिसका हिंट प्रभात भी कर रहा था, लेकिन मैं वहां पर आपके साथ हूं। ये जो भूत और जिन्न जहां से आ रहे हैं, ठीक है, उस जड़ को समझने की जरूरत है और ये बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। और अगर आज भी अगर मैं मान लीजिए आज गुलशन नंदा पे वाकई लिख रहा हूं और सोच रहा हूं, तो जो विद्वत्तमा ने कालिदास से सवाल पूछा था, अस्ति कश्चित वाग विशेष है, ठीक है, तो मैं गुलशन नंदा से भी यही सवाल अगर पूछूं तो लगता है कि कुछ वाग विशेष नहीं है वहां। लेकिन ये बात कि गुलशन नंदा इतने लोकप्रिय क्यों थे, ये समझने के लिए मुझे गुलशन नंदा को न सिर्फ पढ़ना पड़ेगा बल्कि विश्लेषण करना पड़ेगा, और मुझे उतने ही तीखे सवाल उनसे भी पूछने पड़ेंगे जितने मैं प्रेमचंद से या मंटो से पूछता हूँ, ठीक है, कि कलात्मक सौंदर्य बोध क्या है इस कहानी में वगैरह वगैरह वगैरह, सहानुभूति कहाँ है, आदर्श कहाँ है वगैरह वगैरह, तमाम तरह कितनी गहराई है संवेदना की, ये तमाम सवाल तो हमें पूछने ही पड़ेंगे। और तो ये मेरे कुछ मतलब कमेंट थे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये द्वार खोला है और गुरुदत्त पर हम लोग की बातचीत जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आ सकता हूँ प्रभात जी, और कुछ प्रश्न लेंगे, क्योंकि बहुत सुंदर ऑब्जर्वेशन है इनका, तो मैं भूलूंगा नहीं। वैसे बताएं क्या करने हैं। हाँ हाँ आप कंटिन्यू करें। मुझे लगता है कि मेरे मन में भी इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं, और वो तनाव आप कहीं ना कहीं इस किताब में देख पाएंगे। निश्चित रूप से गुरुदत्त उस कोटि के साहित्यकार नहीं हैं, और ये बात मैंने किताब में कई बार कही है। लोकप्रिय हैं, लेकिन जैसे मंटो का जिक्र किया गया, तुरतुलंग हैदर का भी मैंने जिक्र किया है, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पार्टीशन लिटरेचर पे काम किया, लेकिन उसमें जो रस की बात वो कर रहे थे वो अलग बात है। कि मेरा काम जो है इस मामले में बहुत ही एक जगह ऐसा हो गया जिस पर नौशाद ने ऐसी बात कही जिसको सुनते हुए मुझे थोड़ा एम्बेरसमेंट भी हुआ, क्योंकि मैं इस विषय पर 20-25 सालों से काम कर रहा हूँ, और मेरे ऊपर ये अगर मुझे सुनते हुए उनको ऐसा लग रहा है तो इसमें मेरा दोष कम है, और जो प्रोजेक्ट मैंने लिया है वो जो बोतल जिन वाला जिक्र कर रहे थे उसका ज्यादा दोष है। वो जो एक मुसलमान का भय है, ये एक इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। ये भय, इस भय का भी कोई इतिहास है या नहीं, एक, और दूसरी बात यह है कि ये जो हाई पॉलिटिक्स का मामला है इसमें मुस्लिम जो नेतृत्व है, मैं पूछता हूँ लोगों से कि जो मुस्लिम जो नेतृत्व है उसने क्या मुसलमानों का सचमुच रिप्रेजेंटेशन किया है या नहीं किया है। बहुत टेढ़ा सवाल है ये, बहुत आसान सवाल नहीं है। जो मुस्लिम नेतृत्व था वो मुसलमानों का नेतृत्व सचमुच क्या कर रहा था या नहीं कर रहा, लेकिन वो दूसरी तरफ बात चली जाएगी। इसलिए मैं फिलहाल तो यही कहूंगा कि इस किताब को जो गुरुदत्त के संदर्भ में बात आई, क्योंकि बात को कहने का एक खास एंगल होना चाहिए था और एक खास
एक फोकस भी रखना पड़ेगा, नहीं तो बात वो आएगी नहीं। इसलिए मैंने इस बात को ऐसे कहा। तो मैं नौशाद से कहूँगा कि उस किताब को अगर पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इसमें मुसलमानों के प्रति एक अविश्वास की बात नहीं है, ये एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है। ये जो राजनीतिक लड़ाई है, उस लड़ाई में, ये बात भगत सिंह वर्मा में बहुत स्पष्ट रूप से आती है, उस लड़ाई में ये जो मुसलमानों की तरफ से लड़ने वाले लोग थे, उन्होंने जिस पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया और उस पॉलिटिक्स के सामने गांधीयन पॉलिटिक्स को हारना पड़ा, यह वह ट्रेजिडी है जिसने इस अविश्वास को भारत के आधुनिक ऐतिहासिक यथार्थ में बहुत बड़ा स्थान दे दिया है। मैं नौशाद से यही कहना चाहूंगा कि ये जो ट्रेजिडी है जिसको हम लोग पार्टीशन कहते हैं, ये इससे बड़ी ट्रेजिडी भारत के इतिहास में कम हुई है। ये इस ट्रेजिडी को समझना पड़ेगा, ये महत्वपूर्ण बात है। इसको समझे बिना हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और वो घाव जो है वो दिल पर लगा घाव है और उसको आप भूल नहीं सकते। और इस क्रम में जब तक हम पड़ताल नहीं करेंगे तो वाटेक सिंह की पीड़ा क्या थी, मंटो जिसकी चर्चा भी कर रहे थे, उसकी पीड़ा क्या है, आधा गांव की असली पीड़ा क्या है, तमाम उदाहरण दिए जा सकते। तो मैं ये बात आपके संदर्भ में कहूँगा। लेकिन जो रविकांत जी ने कही वो बहुत सीरियस बात है। और यहाँ पर मुझे रविकांत जी की बात में सेलिब्रेशन ऑफ कालीचरण वाली बात जो है वो बड़ी दिलचस्प है। दरअसल मैंने इसकी जांच की और पाया कि कालीचरण तो सचमुच था और उस कालीचरण की कहानी भी बहुत लोमहर्षक है। जो असली कालीचरण है जिसके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर इसी को रखा गया है, जो लोग उस कालीचरण से परिचित हैं, रेणु से परिचित हैं, वो लेकिन उस कालीचरण की कथा जब कहेंगे तो आपको लगेगा कि कालीचरण तो यहाँ बहुत ही सॉफ्ट रूप में है, बहुत सॉफ्ट रूप में। असली कालीचरण की कथा तो और भी बहुत बहुत दिलचस्प है। मैंने इस पर थोड़ी बात की है। तो मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि साहित्यकार जो है उसकी सहानुभूति का एंगल अगर आप लाएंगे तो साहित्यकार अपने समय के सच को देख रहा होता है और एक बेहतर समाज और मूल्य निर्माण के क्रम में अपनी कुछ प्रस्तावनाएं उसमें पिरोता जाता है। और यहीं पर साहित्यकार की जो वो सदिच्छा है वो हमारे बहुत काम की चीज होती है। इसलिए मैं इस सदिच्छा तत्व के गौण रहने के कारण गुरुदत्त में जो उच्च मान का साहित्य न रच पाने की बात अगर कोई कहेगा तो मैं उसको मैं मान लूंगा। लेकिन मेरा उद्देश्य इस पे वर्णित जो ऐतिहासिक सच है उसकी तरफ जाने पर अधिक रहा है। जब उन्होंने पॉपुलर साहित्य की चर्चा की तो मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा जो शायद आपसे मुझे रिलेट करे। वह है कुशवाहा कांत की किताब थी लाल रेखा। मुझे नहीं मालूम कि भारतीय साहित्य में इस तरह की इम्पैक्ट रखने वाली किताब जो है कितनी लिखी गई। कुशवाहा कांत का साहित्य जो है वो निश्चित रूप से आप मानेंगे कि वो क्रांतिकारी आंदोलन के समर्थन वाली किताब है। हालांकि उसके कई वर्षन हैं, उसका एक नाटक का वर्षन भी है, लेकिन मैं मूल किताब की बात कर तो हमारे प्रभात कुमार जी इस बारे में चर्चा करते रहते हैं, वो दूसरे वाले प्रभात जी इसकी चर्चा करते रहते हैं। तो हमारे पास विपुल साहित्य है जो शायद प्रभात कुमार ही तो नाम है उनका। तो हम लोगों को द्वार खोलना है, हम लोगों को साहित्य में इतने बंगला का उदाहरण मैंने नहीं दिया, नवेंदु घोष का उदाहरण मैंने दिया और भी बहुत सारे लोग। तो मैं चाहता हूँ, मेरा ये प्रस्ताव है कि हम इस बारे में चर्चा करना शुरू करें। बस मेरा अगर ये काम भी मैं कर पाया अपनी किताब से तो भी मैं समझूंगा कि मैंने कुछ थोड़ा बहुत काम कर लिया और नए लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से इस पर चर्चा कर सकते। मुझे इन कमेंट्स से बड़ी मदद मिल रही है और कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि डायलॉग करने की गुंजाइश बन रही है। रविकांत जी को बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर ऑब्जर्वेशन की, और हम लोग का निश्चित रूप से इस पर हम लोग की चर्चा चलती रहेगी।
रमाशंकर को वो प्रमोट, रमाशंकर जी को प्रमोट कर दिया जाए, उन्हें सवाल पूछ। रमाशंकर आप सवाल पूछ सकते हैं, अनम्यूट करें अपने आप। हाँ तो इसको सुन के तो काफी मजा आया। खान जी ने और नौसाद ने जो सवाल पूछा, और इस किताब को मैंने बनते हुए भी देखा, फिर बाद में पढ़ा लिखा। अब किताब और किताब की समीक्षा की, किताब की समीक्षा करने के बाद उसमें कमी नहीं निकालनी चाहिए, लेकिन एक कमी मुझे हितेंद्र सर इसमें दिखी कि जब आप उपन्यास को एक सोर्स के रूप में मान रहे हैं, और मैं इसको इतिहास लेखक के सोच के रूप में माने जाने के लिए बिल्कुल, मैं इस पर मुझे कोई इफ एंड बट नहीं है कि उपन्यास इतिहास का स्रोत नहीं है। इसको अगर आप ऐसा मानते हैं तो बहुत ही रूढ़िवादी किस्म का मामला होगा कि उपन्यास इतिहास लेखन का एक स्रोत नहीं है। आज जो हालात है, जिस तरीके का भी समाज, जिस तरीके की राजनीति बन रही है, तो अभी मैं चंदन पांडे का एक बहुत उपन्यास पढ़ रहा हूँ, सॉरी कीर्तिगान। तो कीर्तिगान में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज के समय की हैं। तो सन 2070 में, यानी आज के 50 साल के बाद, पता नहीं जैसे भी इतिहासकार आएंगे इसको तो जरूर पढ़ेंगे। तो इतिहास में उपन्यास या लिटरेचर का तो जो महत्व है कम से ज्यादा बढ़ता ही जाएगा और ज्यादा बढ़ता जाएगा। और उसमें हमेशा आलोचक कहते हैं कि फला उपन्यास ने अपने समय को दर्ज किया है, उसकी जो संभावना है, उसकी जो दिशा है, नाकामियां है, सपने हैं, उस सबको दर्ज किया है। इसमें क्या है कि इतना इन सारे उपन्यासों पर लिखने के बावजूद जिस एक खास किस्म के समाज का निर्माण हुआ, जिसमें जो नौसाद बात कह रहे थे वह निकल के आती है कि कैसे एक अविश्वास, एक और जो आप भी कह रहे थे कि एक भय पैदा हुआ। भय का इतिहास कौन लिखेगा? तो भय किसी सामाजिक दायरे में कैसे पैदा हो रहा था, कैसे दूरियां बढ़ रही थी, ऐसा क्या कारण रहा होगा कि ये जो है गुरुदत्त मुस्लिमों से एक जगह आकर घृणा करने लगते हैं, उनसे खास दूरी बनाने लगते हैं या विद्वेष मूलक बातें करने लगते हैं अपने उपन्यासों में, और आपने खुद ये बात कही है। तो वह जो समाज बन रहा था, जिसके बारे में भगवती चरण वर्मा, यशपाल और गुरुदत्त लिख रहे थे, तो उसकी जो सामाजिक बनावट है 1920 से लेकर 1960 तक के भारत की, उसकी वह इसमें नहीं दिख पड़ रही। अब ऐसा तो है नहीं कि किताब रोज रोज एडिट हो जाए, रोज उसका संस्करण आए, तो मैं केवल एक अपील करूंगा कि इस पे विचार करें। और अब कहानी तो आपने ही शुरू की है, तो इसमें एक आपको एक बड़ा पेपर ऊपर लिखना चाहिए, देना चाहिए प्रतिमान वगैरह गोल आलोचना को या कहीं भी, और इसको स्पष्ट करें। बात एक बात ये, और दूसरा ये थोड़ा अच्छा सवाल तो नहीं माना जाएगा, गुरुदत्त पर लिखने के कारण बहुत सारे लोगों ने आपको खुल्लम खुल्ला कहा कि हितेंद्र पटेल संगी हो गए हैं, हाँ? तो ऐसा क्या, ऐसी कौन सी बात होती है जो जिस पर लिख देने भर से इतिहासकार कम्युनिस्ट हो जाता है, प्रगतिशील हो जाता है, या ऐसी कौन सी जगह होती है जहां लिखने से वो संगी हो जाता है? तो इसके बारे में आप कुछ बताइएगा। थैंक यू। एक और सवाल ले लेते हैं, एक और हाथ उठा हुआ है। सुशांत मिश्र, क्वेश्चन कहाँ लिखा हुआ? अच्छा लिखा हुआ है, सॉरी। मैं सुशांत के सवाल पढ़ देता हूँ। राष्ट्रवाद बनाम देशभक्ति, रविंद्रनाथ ठाकुर और यत्ता की राजनीति, आशीष नंदी की किताब से आपका काम कैसे भिन्न है? इनका इशारा यह है कि आशीष नंदी ने भी साहित्य पर आधारित
जो है वो इतिहास लिखा है, तो आप प्रविधि के हिसाब से कैसे अपने आप को अलग पाते हैं? धन्यवाद। मुझे लगता है कि रमाशंकर जी की जो बात थी वो जो सवाल मेरे मन में भी आ रहा है कि गुरुदत्त पर लिखने मात्र से कोई खास विचारधारा का कैसे हो सकता है। और ये बात मुझे कहनी चाहिए पब्लिकली कि बहुत सारे लोग इस बात से बहुत व्यथित हैं कि गुरुदत्त पर किसी सीरियस, जब अगर वो सीरियस हिस्टोरियन मानते हैं, कैसे लिख सकता है। ये जो अनटचेबिलिटी है, ये जो गुरुदत्त के प्रति जो अनटचेबिलिटी है, ये खास किस्म की सोच से पैदा, जिस सोच से मैं समझता हूँ कि भारतीय इतिहास लेखन जो है वो प्रभावित रहा है। और मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ऐसे इतिहासकार जो हैं वो इतिहास का अहित कर रहे हैं। हम लोगों को कभी कभी क्या होता है कि ऐसी ऐसी दिशाओं में जाना पड़ता है जहाँ से कि नए द्वार खुल सके, नई तरह से बातचीत की जा सके। ये मुसलमानों का जो भय है, ये एक भयंकर एक इशू है जिस पर कोई बात नहीं करना चाहिए। खिलाफत मूवमेंट के दौरान क्या हुआ था, इसकी इतनी डिटेलिंग उपन्यास में मुझे मिली, और मैं सिर्फ गुरुदत्त की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा हूँ प्रभुदेव वर्मा की, उसने मुझे चौंका दिया। और इस तरह से एक प्रभुदेव वर्मा जैसा व्यक्ति गांधी और नेहरू आदि, नौशाद ने कहा गांधी पर हमला, बड़ी जबरदस्त बात इसमें कही है हमारे भगवतीजन वर्मा ने, सीधी सच्ची बातें उनका एक उपन्यास है उसमें वो निकलाते हैं, वो उसकी पूरी जांच करते हैं गांधी के महत्वपूर्ण होने, नेहरू के उनके पीछे खड़े होने, पटेल के आने और फिर और तमाम बातों के सहारे, कि ये जो नेहरू का केंद्र में आना है उसके पीछे गांधी की क्या भूमिका है, और उस भूमिका के पीछे की जो असली कहानी है वो जिन्ना को अपदस्त करने की, जिन्ना और गांधी की जो लड़ाई है वो किस तरह से एक व्यक्तिगत लड़ाई में तब्दील हो जाती है, इसकी कथा भगवतीजन वर्मा बड़े दिलचस्प ढंग से उठाते हैं। ये एक एंट्री पॉइंट था जहाँ से कि मुझे बहुत सारी चीजों की तरफ जाने का मौका मिला, और मैंने पाया भगवतीजन वर्मा का जो इंसाइट है वो लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक निवेदन ही कर सकता हूँ कि इन उपन्यासों में जो संकेत, उन संकेतों को ध्यान से देखा जाए, संदेह से नहीं, और कोशिश की जाए कि हम लोग उन छूटे हुए प्रसंगों की चर्चा कर सकें। और हाँ, और जो 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 अपेक्षा की जाती है कि वो जो प्रसंग है वो उसमें जो भारत का बनता हुआ समाज है उसमें ये चीज़ें कैसे बनी रही, कैसे मजबूत होती रही, हिंदू मुसलमान का विभेद कैसे बना रहा, उस कथा को तो कहा जाना ही चाहिए, इससे इनकार नहीं करता, लेकिन हो सकता है कभी इस पर और अधिक चर्चा करना संभव हो। और मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि एक किताब इसके पहले लिखी है, इसमें कम्युनलिज्म एंड द इंटेलिजेंशिया इन बिहार, वो किताब आप लोगों से कई लोगों ने पढ़ी होगी, उसको भी इसके साथ पढ़िएगा, तो शायद हो सकता है कि ये जो कहा जा रहा है कि एक तरफा बात हो रही है, तो उसमें तो आपको इस बात का संतोष होगा कि एक तरफा बात नहीं है, एक तरफा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि जो चीजें हैं वो छुपाई गई है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ कि अप्रिय प्रसंगों को छुपाने का समय बीत चुका है, अब तथ्यों को न छुपाएं, टेबल पर रखें और उस चैलेंज को स्वीकार करें कि ऐसी बातें थी और इन बातों का ये आधार है। ये चैलेंजिंग टाइम, ये 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 बहुत कंफर्टेबल टाइम नहीं है इतिहास का, और टोटलिटी में एक 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 समग्रता में भी
हम लोगों को सोचना पड़ेगा। ये एकेडमिक डिस्कोर्स का समय नहीं है सर, ये जीवन मरण का समय है। ये इतना बड़ा सवाल बन गया हम लोगों के सामने कि अब हम लोगों को ये बात खोल करके सामने रखनी पड़ेगी और जनता से अपील करनी पड़ेगी कि भूल चूक माफ। लेकिन हम लोगों को अगर राष्ट्र को एक बना के रखना है तो इतिहासकारों को खुल करके जो प्रसंग जो श्रान दे रहे हैं, जो परेशानी पैदा कर रहे हैं, उसको भी टेबल पर रख के माफी मांग लेनी चाहिए और कहना चाहिए कि मिलजुल करके रहो, तब शायद कोई संभावना बने। ये इतना खतरनाक समय है, इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को अब जो है किसी तरह की चालबाजी से मुक्त हो जाना चाहिए। वो दौर बीत चुका है, वो दौर कभी नहीं लौटेगा। जो लोग समझ रहे हैं वो लगभग ऐसी ही आशा कर रहे हैं कि फिर से कम्युनिज्म रशिया में लहराएगा, वो समय कभी नहीं आएगा। हम एक नए समय में प्रविष्ट हो चुके हैं, अपने अपनी अपनी ईमानदारी से अपनी अपनी बातों को कहते हुए आगे बढ़े। एकेडमिक डिस्कोर्स का वो सुहाना गोल्डन टाइम बीत चुका है। ये मेरी अपनी बात है, मैं क्षमा चाहूंगा अगर मैं कोई बात ऐसी कह रहा हूँ जिससे एकेडमिक समाज को थोड़ा धक्का लग रहा होगा। मैं एकेडमिक डिस्कोर्स से थोड़ा दूर हो चुका हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इतिहास को आम जनजीवन में, जो आम लोगों के बीच में जो इतिहास पल रहा है और जो इतिहास का पौधा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, उसके साथ अपने को जोड़ने की और किसी तरह का एक डायलॉग बनाने की कोशिश करें। शायद मैं ब्रूटली इस बात को कह रहा हूँ, लेकिन यही मेरी मंशा है जिसको मैंने ईमानदारी से आपके सामने रख दिया। बहुत बहुत धन्यवाद हितेंद्र जी, और अंत में सभी लोगों का धन्यवाद, सारे श्रोताओं का यहाँ बैठे हुए और स्क्रीन पर जो मौजूद हैं, उसके साथ साथ अयोध्या और सचिन का भी। तो हम अपनी वार्ता अब यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर प्रतिमान व्याख्यान श्रृंखला के अगले भाग में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रविकांत जी, धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, समय काफी हो रहा है इसलिए हमें रोकना पड़ा, एक दो सवाल और थे, लेकिन चलिए, धन्यवाद।